हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं SQL के ऐसे 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपके लिए प्रिपेयर करना बहुत बेनिफिशियल होगा। अब अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि टेक्निकल इंटरव्यू में आप अपीयर होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम SQL के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, और वो भी प्रैक्टिकली। जी हाँ, हम प्रैक्टिकली हर क्वेरी को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये समझ आएगा कि SQL का कौन सा क्लॉज कब यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मेरे पास कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में हम SQL के 4 जॉइंस, इनका कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम इनर जॉइन को यूज़ करने वाले हैं वेयर क्लॉज के साथ। थर्ड क्वेश्चन में हम वेयर, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय, इन तीनों क्लॉजेस का यूज़ देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम इनर जॉइन को यूज़ करने वाले हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम डेट पार्ट, कास्ट, एग्रीगेट फंक्शंस जैसे कि एवरेज और ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय क्लॉज, ये सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। सिक्स्थ क्वेश्चन है जिसमें हम मैक्स और मिन फंक्शंस का यूज़ करेंगे ग्रुप बाय के साथ। और जब भी ग्रुप बाय की बात आती है तो हम ऑर्डर बाय को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये आपको सिक्स्थ क्वेश्चन में समझ आएगा। सेवन्थ क्वेश्चन में हम रो नंबर फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, और वो भी परसेंटेज ऑपरेटर के साथ। फिर आता है एट्थ क्वेश्चन, जहाँ पर हम रो नंबर और डेंस रैंक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। और हम सब क्वेरी भी यूज़ करने वाले हैं। सब क्वेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और वो आप 8th क्वेश्चन में देखेंगे। फिर आता है 9th क्वेश्चन, जिसमें हम केस स्टेटमेंट का यूज़ देखने वाले हैं। मान लीजिए मेरे पास इफ़ और एल्स की कंडीशन है, और मैं चाहती हूँ कि उसके अकॉर्डिंग कुछ डिस्प्ले हो, तो ऐसी ही एक सिचुएशन आपको 9th क्वेश्चन में मिलेगी। फिर आता है 10th क्वेश्चन, जिसमें हम CTE का यूज़ करने वाले हैं। हम जॉइंस, ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन जो कि है काउंट, इन सब का कॉन्सेप्ट भी 10th क्वेश्चन में समझेंगे। हमने 8th क्वेश्चन में जैसे सब क्वेरी देखी थी, उसी का एक ऑल्टरनेट है CTE, जो हम 10th क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको अभी समरी से ही ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। इस वीडियो में बने रहिए, और बिना किसी डीले के अब चलते हैं सीधा अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देख लेते हैं सबसे पहले अपने डेटा सेट को। यहाँ पे मेरे पास दो टेबल्स दिए हुए हैं, टेबल ए एंड टेबल बी, एंड दोनों में एक ही कॉलम है ID वैल्यू, उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्टेड है। अब हम देखते हैं कि सिनेरियो क्या कहता है। सिनेरियो के अकॉर्डिंग गिवन टू टेबल्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द आउटपुट यूजिंग इनर, लेफ्ट, राइट एंड फुल जॉइन। तो बेसिकली जो भी इंटरव्यूअर है, राइट, जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, दे विल आस्क यू दिस बाय गिविंग यू टू टेबल्स। वो आपको दो टेबल्स दे देंगे, और उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर मैं इसमें इनर जॉइन पुट करूँ तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आएंगे, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन या फुल जॉइन। इन चारों जॉइंट्स में से कोई भी जॉइंट पुट करूं मैं अगर, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आउटपुट में कितने आएंगे। इसके लिए आपको अपने जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम क्वेरी तो देखेंगे जॉइन की कैसे पुट होगी, बट उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इन चारों जॉइंट्स का। तो यहाँ पे मेरे पास जो टेबल ए है और टेबल बी है, अगर मैं इसमें सबसे पहले अभी इनर जॉइन पुट कर रही हूँ, राइट, इनर जॉइन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि फर्स्ट वैल्यू को उठाऊँगी, फर्स्ट रिकॉर्ड जो है मेरा टेबल ए में, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाना है, राइट। तो ये सारे रिकॉर्ड से इंटरसेक्ट हो रहा है, वो है सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड, सिर्फ इस रिकॉर्ड से ये इंटरसेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो मेरा रिकॉर्ड आ जाएगा इंटरसेक्शन का, वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा 1, राइट। इसी तरह से जो नेक्स्ट वैल्यू है 1, वो कितने रिकॉर्ड से इंटरसेक्ट हो रही है, सिर्फ एक से, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा इस रिकॉर्ड के लिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड रिकॉर्ड पे, टेबल ए के। टेबल ए का जो थर्ड रिकॉर्ड है 2, वो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड से इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी
टू। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ रिकॉर्ड पे, इसके लिए भी सेम सिनेरियो बनेगा क्योंकि यहाँ पे दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी वैल्यू टू है, तो यहाँ पे भी वैल्यू हो जाएगी टू। अब हम जब अपने फिफ्थ रिकॉर्ड पे आए टेबल लेके, तो थ्री यहाँ पे किसी के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है? नहीं, किसी के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे वैल्यू बनेगी जीरो, राइट। इसी तरह से इसकी क्या होगी? इसकी भी जीरो। फिर हम अपनी नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू पे आते हैं, वो है फोर। तो फोर यहाँ पे इस टेबल में थ्री रिकॉर्ड्स के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बनेंगे वो है थ्री। इन सबका सम देखते हैं, ये आ रहा है नाइन, राइट। तो हमने यहाँ पे नाइन पुट कर दिया। इनर जॉइन के हमारे जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो नाइन आने चाहिए। तो अब हम इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं अपनी क्वेरी के थ्रू। यहाँ पे मैं इन दोनों टेबल्स में जॉइन पुट करने वाली हूँ, टेबल ए और टेबल बी के बीच इनर जॉइन यूज हो रहा है, और वो है आईडी वैल्यू के बेसिस पे, बिकॉज यहाँ पे ए की कॉलम है तो हमें कोई इशू नहीं है ये देखने के लिए कि कौन से कॉलम पे हमें जॉइन पुट करना है। आईडी वैल्यू पे हमने जॉइन पुट किया इनर जॉइन। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट, नाइन रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास। तो बेसिकली हमने ये देखा कि इनर जॉइन जो है वो इंटरसेक्टिंग रिकॉर्ड्स को लेता है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उसके हिसाब से यहाँ पे बने नाइन। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन में हम देखते हैं आपके कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए, राइट। लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, जो मेरे इनर जॉइन के रिकॉर्ड्स थे वो तो आएंगे ही आएंगे, राइट। और उसके साथ साथ मेरे वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो टेबल ए यानी कि लेफ्ट टेबल में एक्स्ट्रा है, राइट। एक्स्ट्रा एज इन वो टेबल बी में नहीं एग्जिस्ट करते। तो इनर जॉइन के रिकॉर्ड्स प्लस ऐसे रिकॉर्ड्स जो राइट टेबल में नहीं एग्जिस्ट करते, वो रिकॉर्ड्स मुझे लेफ्ट टेबल से लेने हैं। तो यहाँ पे ऐसे तीन और रिकॉर्ड्स मुझे मिल रहे हैं, राइट। बेसिकली थ्री और नल, ये वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। तो थ्री और नल के रिकॉर्ड्स कितने हैं? वन टू थ्री फोर। तो नाइन प्लस फोर इज थर्टीन। यहाँ पे थर्टीन रिकॉर्ड्स मेरे आने चाहिए हैं लेफ्ट जॉइन में। इसको हम वेरीफाई भी करेंगे क्वेरी के थ्रू। ये तो थी इनर जॉइन की क्वेरी, इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने लेफ्ट जॉइन की क्वेरी बनाने के लिए। सिंपली यहाँ पे मुझे मेंशन करना है लेफ्ट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ग्रेट, यहाँ पे मेरे 13 रिकॉर्ड्स अब आ गए। मेरे थ्री और नल जो रिकॉर्ड्स थे लेफ्ट टेबल में, अब वो भी आ गए हैं आउटपुट के अंदर, राइट। बट जो यहाँ पे आईडी वैल्यू जो है मेरी सेकंड कॉलम में आपको दिख रही है, वो नल इसलिए है बिकॉज जो सेकंड कॉलम है वो बी टेबल का है। तो जहाँ पे भी वैल्यू नहीं मिल रही वो उसके लिए नल डिस्प्ले करवा दे। बट हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड समझने हैं पहले कि वो कितने आ रहे हैं, तो वो 13 है। और जहाँ पे भी वैल्यू नहीं मिलेगी वो लेफ्ट टेबल में वो वैल्यू देगा और बी टेबल दैट इज राइट टेबल उसमें नल दे देगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि राइट जॉइन, राइट, इसमें कितने रिकॉर्ड्स होंगे। तो राइट जॉइन सिमिलर टू लेफ्ट जॉइन इनर जॉइन के रिकॉर्ड्स पुल करेगा और ऐसे रिकॉर्ड्स देगा एक्स्ट्रा जो राइट टेबल में एग्जिस्ट करते हैं और लेफ्ट में नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। तो नाइन तो आएंगे ही आएंगे। अब इसके बाद ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं जो मेरे राइट टेबल में हैं और लेफ्ट टेबल में नहीं है? वो है फाइव और नल, राइट। ऐसे दो ही रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे नाइन प्लस टू टोटल बना इलेवन। तो बेसिकली इलेवन रिकॉर्ड्स मेरे आ रहे थे जो राइट जॉइन का आउटपुट आना चाहिए। इसको वेरीफाई करेंगे इसी क्वेरी को यूज करते हुए। मैं अब राइट जॉइन पुट कर रही हूँ और अब इस टेबल को प्रेफरेंस मिलेगी जो राइट में है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 11 रिकॉर्ड्स आ गए। राइट टेबल से 5 और नल, ये दोनों रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं
और अब लेफ्ट टेबल में वो वैल्यूज नल हो जाएंगी, बिकॉज इनके लिए कोई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है नहीं, तो सीक्वल नल डिस्प्ले करवा देगा। ये है मेरे लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड्स और ये है मेरे राइट टेबल के रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स नहीं, बेसिकली ये वैल्यूज है, और टोटल रिकॉर्ड्स राइट जॉइन के लिए बना मेरा 11। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जॉइन पे, जो कि लास्ट जॉइन है, फुल जॉइन। इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं? तो अब इसको आप टोटल मान लीजिए कि इनर, लेफ्ट और राइट, इन सबको हमें ऐड करना होता है। बेसिकली हमें पूरा ऐड नहीं करना, हमें ये देखना है कि इनर जॉइन के जो रिकॉर्ड्स थे वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे ऐसे रिकॉर्ड्स जो लेफ्ट में एग्जिस्ट करते हैं और राइट में नहीं करते, वो आएंगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए 9+। ऐसे कितने रिकॉर्ड्स थे जो लेफ्ट में एग्जिस्ट करते थे और राइट में नहीं एग्जिस्ट करते थे? वो थे 4। और उसके बाद ऐसे कितने रिकॉर्ड्स थे जो राइट में एग्जिस्ट करते थे और लेफ्ट में नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे? दैट वर 2। तो बेसिकली ये जो है इसका सम बन रहा है 15। 15 रिकॉर्ड्स मेरे आने चाहिए फुल जॉइन के, ठीक है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। फुल जॉइन, जो कि फुल आउटर जॉइन भी कहा जाता है जिसे, उसको हम पुट करने के लिए यहाँ पे सिंपली फुल लिख सकते हैं। हम यही कॉलम पे पुट कर रहे हैं और हम इस क्वेरी को अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मेरे अब 15 रिकॉर्ड्स आ गए। जो वैल्यूज लेफ्ट में एग्जिस्ट करती हैं, राइट में नहीं करती, उसके लिए नल आ जाएगा राइट में, यहाँ पे नल आ गया। जो वैल्यूज राइट में एग्जिस्ट करती हैं और लेफ्ट में नहीं करती, तो उसके लिए लेफ्ट में नल आ जाएगा। बेसिकली टोटल जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो है 15। तो आज हमने 4 जॉइंट्स, बेसिकली इनर, लेफ्ट, राइट और फुल, फुल एज इन फुल आउटर जॉइंट, इन चारों को समझा है। हमने ये देखा कि कितने रिकॉर्ड्स हमारे डिस्प्ले होंगे हर जॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे कम डेटा सेट में आपसे ये पूछा जा सकता है ये जानने के लिए कि क्या आपको जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ आया होगा कि जॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल्स हैं, दैट इज एम्प्लॉय डिटेल्स और एम्प्लॉय सैलरी। सिनेरियो 2 हमारा ये कहता है कि राइट अ सीक्वल क्वेरी टू फेच फुल नेम एंड जॉइनिंग डेट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु आर नॉट वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट। तो बेसिकली हमें क्या करना है, फुल नेम और जॉइनिंग डेट उन एम्प्लॉयज की निकालनी है जो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेरी, मेरे पास क्वेरी में कहीं भी टेबल नेम मेंशन नहीं है। जैसे सिनेरियो 1 में हमें टेबल नेम दोनों मेंशन किए गए थे, जिसमें हमें खुद ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा टेबल यूज करना है। फुल नेम और जॉइनिंग डेट के लिए मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल यूज होगा और प्रोजेक्ट के लिए मेरा एम्प्लॉय सैलरी। ये तो मैंने सिनेरियो देख के अपने आप इन्फर कर लिया, राइट। बट कौन सा क्लॉज किस कॉलम पे लगेगा और किस तरह मुझे इसको जॉइन करना है, यही हम आज देखने वाले हैं। तो सो बेसिकली मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी में देख पा रही हूँ कि प्रोजेक्ट नल बेसिकली 1006 और 1009। फॉर दीज टू रोज मेरे प्रोजेक्ट की वैल्यू नल है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये दोनों एम्प्लॉयज किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, राइट। तो 1006 और 1009 की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, बट उनकी इंफॉर्मेशन में मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, उनका फुल नेम और जॉइनिंग डेट। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा कि मेरे पास फुल नेम आएगा एंड शैरन की ही जॉइनिंग डेट आएगी, और 1009 का फुल नेम इज लिंडा स्मिथ एंड लिंडा स्मिथ की जॉइनिंग डेट। तो मेरा ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए। इस आउटपुट के लिए मुझे अपने डेटा स्टूडियो पे चलना होगा।
ओके सो चलते हैं अपने डेटा स्टूडियो की तरफ। जैसे कि आपको पता है मैं अज्योर डेटा स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ, बट आप सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हम एम्प्लॉय डेटाबेस पे वर्क कर रहे हैं। डेटाबेस के लिए हम न्यू क्वेरी ओपन करेंगे एंड अपने एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल को एक बार चेक करते हैं। इस टेबल के साथ साथ हमें दूसरा टेबल कौन सा यूज करना है, एम्प्लॉय सैलरी, राइट? तो एक बार वो वाला टेबल भी सिलेक्ट करेंगे। ये एग्जैक्टली वही डेटा सेट है जो भी हमने एक्सेल में देखा था। इस टेबल की 9 रोज एंड इस टेबल की 7 रोज, यही डेटा सेट इन दोनों टेबल्स में अभी एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों टेबल्स को यूज करके हमें फुल नेम और ज्वाइनिंग डेट निकालना है। तो इसके लिए हम इनर ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन इसमें एग्जिस्ट करती है और इसमें एग्जिस्ट करती है, हमें उन्हीं रिकॉर्ड्स पे वर्क करना है, सिर्फ उनको फेच करवाना है सबसे पहले। और जब भी हम मोर देन वन टेबल के साथ सिलेक्ट क्वेरी यूज कर रहे होते हैं तो हम ज्वाइंस ही यूज करते हैं। आज हम इनर ज्वाइन का यूज क्यों करेंगे, उसके लिए हम एक बार वेन डायग्राम भी उसका चेक कर सकते हैं। बिकॉज जब हम ज्वाइन यूज कर रहे हैं तो एज आई एक्सप्लेन बिफोर कि हम उसकी पिक्चर बना सकते हैं अपने माइंड में कि किस तरह का डेटा पिक होने वाला है। तो इनर ज्वाइन का वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो सारे पिक हो जाएंगे, राइट? जो हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ पे, सिर्फ वही सारे रिकॉर्ड्स हमें पिक करने हैं टेबल ए और बी में से। तो हमारा टेबल जो ए है वो है एम्प्लॉय डिटेल्स और टेबल बी है एम्प्लॉय सैलरी। तो सबसे पहले हम इन दोनों से रिकॉर्ड्स पिक करते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स और एम्प्लॉय सैलरी। यहाँ पे ए और बी जो मैंने दोनों टेबल्स के आगे मेंशन किया है वो एलियास नेम है, और ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एलियास नेम देना बहुत अच्छी अप्रोच रहती है। इन दोनों टेबल्स में हमने कॉमन जो भी कॉलम था वो हमने ऑलरेडी इन्फर कर रखा है कि हमारा कॉमन कॉलम एम्प्लॉय आईडी ही होगा, और कॉमन कॉलम जो भी हम रेफरेंस की तरह यूज करते हैं वो हम सिर्फ डेटा को देख के नहीं निकालते, हमें उसका डेटा टाइप भी चेक करना होता है। ये भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो हमें डिटेल्स निकालनी है उसमें हमने ये चेक किया है कि हमें सिर्फ यही दो कॉलम्स चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे सारे कॉलम सिलेक्ट करने की बजाय सिर्फ टेबल ए से फुल नेम और ज्वाइनिंग डेट फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेरी का रिजल्ट चेक करेंगे कि क्या आता है, क्योंकि जो हमने इनर ज्वाइन लगा के यूज किया है, आप ज्वाइन लिखें या इनर ज्वाइन, इट विल वर्क द सेम, वो दोनों एक ही बातें हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेरी को हम जब हम रन करेंगे तो हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। 7 रिकॉर्ड्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज जो भी 7 रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी टेबल में है वो सारे एग्जिस्ट करते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स में। तो हमने दोनों का कॉमन डेटा फेच करवा लिया है, बट सिनेरियो के हिसाब से हमें सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड्स पिक करवाने हैं जिसका प्रोजेक्ट नल है, जो भी किसी भी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं है। सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ की दोनों डिटेल्स चाहिए हमें, नेम एंड जॉइनिंग डेट। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक वेयर क्लॉज यूज करना होगा, और वेयर क्लॉज कौन से टेबल पे पुट करेंगे, हमारा वेयर क्लॉज पुट होगा बी वाले टेबल पे, दैट इज एम्प्लॉय सैलरी, बिकॉज प्रोजेक्ट कॉलम उसी टेबल में एग्जिस्ट करता है। और जहां भी उसकी वैल्यू नल है हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स चाहिए, राइट? क्योंकि डेटा सेट के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज प्रोजेक्ट में नहीं एलोकेटेड वहां पे प्रोजेक्ट की वैल्यू नल है। जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमारे ये दो रिकॉर्ड्स फेच होके आ रहे हैं, दैट इज शारन एंड विद ज्वाइनिंग डेट और लिंडा विद ज्वाइनिंग डेट। अब हमारे पास जब हम
डेटा सेट में जाते हैं, वेरीफाई करने के लिए हमने पहले ही मैनुअली अपना डेटा सेट क्रिएट कर लिया था आउटपुट का, जिसमें यही दो रिकॉर्ड्स आ रहे थे और यही दो रिकॉर्ड्स हमारे पिक हुए हैं हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इनर जॉइन एंड वेयर कंडीशन की क्वेरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे पास ये दो डेटा सेट्स हैं हमारे सिनारियो 3 के लिए, राइट? एंड हमारा फर्स्ट टेबल हमने एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल लिया हुआ है एंड दूसरा टेबल है एम्प्लॉय सैलरी। तो इस डेटा सेट पे अब हम प्ले करेंगे एंड उसके लिए अपना पहले सिनारियो चेक करते हैं। सिनारियो 3 ये कहता है, राइट SQL क्वेरी टू फेच प्रोजेक्ट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉयज सॉर्टेड बाय प्रोजेक्ट काउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो द पॉइंट इज कि मुझे यहाँ पे पहले अपना टेबल फिगर आउट करना है, राइट? मेरे पास यहाँ पे दोनों टेबल्स में से किसी भी टेबल का नाम मेंशन नहीं है, राइट? बट मुझे इस क्वेश्चन को देख के अपने प्रोजेक्ट के टेबल को चूज करना पड़ेगा। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे खुद इन्फर करना है कि कौन सा टेबल मुझे यूज करना है अपनी क्वेरी बिल्ड करने के लिए, अगर मुझे दो टेबल्स मेंशन किए हुए हैं। क्वेरी के हिसाब से प्रोजेक्ट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉयज, राइट, ये मुझे फेच करना है। अगर मैं देखूं तो मेरा एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट कॉलम वो इसी टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो इससे हमें ये बात तो समझ आ गई कि हमें सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी टेबल का यूज़ करना है और किसी भी टेबल की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी पे वर्क करेंगे और इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए हम एक बार अपना मैनुअली आउटपुट अगर क्रिएट करना चाहें थ्रू एम्प्लॉय सैलरी टेबल, तो हमारे पास प्रोजेक्ट में P1, P2, P4 और null, ये हमारे पास वैल्यूज जो हैं यूनिक हैं, राइट, एंड ये रेपिटेटिव है। और अगर मैं इनका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काउंट देखना चाहूँ तो मेरा P1 हैज कम ट्वाइस, तो यहाँ पे आएगा 2, P2 हैज कम ट्वाइस तो यहाँ पे भी आएगा 2, और P4 सिर्फ एक बार आया है तो यहाँ पे 1, और null हैज कम ट्वाइस तो यहाँ पे भी आएगा 2। तो ये मेरा कुछ डेटा सेट का आउटपुट ऐसा बन रहा है। हम अभी के लिए null वैल्यू एलिमिनेट भी कर सकते हैं बिकॉज प्रोजेक्ट null कोई लॉजिक नहीं अभी बना रहा, बिकॉज हमारे पास ऐसा डेटा सेट है तो इंटरेस्टिंग रहेगा क्वेरी बनाना भी इसके साथ। तो हम अपने आउटपुट से null को हटा देते हैं और हमारा सिनारियो जो है वो कहता है कि काउंट शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? तो हमारा P1, P2, P4 एंड 2, 2, 1, तो काउंट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड आउटपुट यही आना चाहिए, राइट? अब इस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए हमें क्वेरी डिज़ाइन करनी होगी, तो उसके लिए हमें चलना होगा अपने डेटा स्टूडियो की तरफ। एम्प्लॉय डेटाबेस के लिए हम न्यू क्वेरी ओपन करेंगे और हमने ये डिसाइड किया है कि हम सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी टेबल यूज करने वाले हैं, राइट? तो उसके लिए हमें एक बार एम्प्लॉय सैलरी टेबल का डेटा चेक कर लेते हैं। तो अब मुझे जब प्रोजेक्ट वाइज काउंट निकालना है उसके लिए मुझे कौन सा क्लॉज यूज करना पड़ेगा, वो क्लॉज है ग्रुप बाय क्लॉज। सो बेसिकली ये क्लॉज यूज होता है एग्रीगेट फंक्शंस को कॉल करने के लिए एंड ग्रुप बाय क्लॉज में हमें कॉलम का नेम मेंशन करना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्रुपिंग लगाने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट के अगर अंदर हम चेक करें तो किस तरह की डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, P1, P2, P4 और null। मैं ये देख पा रही हूँ कि P2 और null वैल्यू और P1 ये रिपीटेटिव वैल्यूज हैं, राइट? सो बेसिकली इसमें
काउंट जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा, राइट? किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा एम्प्लॉयज ही काम करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो अ लॉजिक. तो मैं प्रोजेक्ट कॉलम पे ग्रुप बाय लगा सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे रिपीटेटिव वैल्यूज है, आइडेंटिकल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं इस कॉलम में, और उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं हर वैल्यू के लिए. तो अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ कि मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं, मैंने ग्रुप बाय प्रोजेक्ट किया और सिलेक्ट प्रोजेक्ट ही कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज आ गई. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे नल P1, P2 एंड P4 ये आइडेंटिकल वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे मिल गए हैं. अब इसके बाद मुझे प्रोजेक्ट वाइज काउंट निकालना है, राइट? तो उस काउंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हो सकता है काउंट फंक्शन के थ्रू. और मैं एम्प्लॉयज का काउंट निकालना चाहती हूँ, तो मैं EMP ID यूज कर सकती हूँ. इस क्वेरी को जब मैं रन करूंगी तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज ऑफ प्रोजेक्ट और उनका काउंट मिल गया है. हम यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इस कॉलम का नाम दे सकते हैं, ताकि नो कॉलम नेम हमें ना दिखे. तो अब मेरे पास प्रोजेक्ट और उसमें कितने एम्प्लॉयज है ये साफ साफ मुझे पता चल रहा है. इस रिजल्ट के बाद अब हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमसे अपने सिनेरियो में कुछ और भी रिक्वायरमेंट मांगी गई है. तो एक बार चलते हैं फिर से अपने सिनेरियो की तरफ. उसमें ये पूछा गया है कि प्रोजेक्ट काउंट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पब्लिश होना चाहिए, राइट? तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें कौन सा क्लॉज यूज करना होगा, ऑर्डर बाय क्लॉज, और इसको हम अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे पुट कर सकते हैं, बिकॉज जितने भी एम्प्लॉयज आए हैं उनके काउंट के अकॉर्डिंग ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाना है. एंड अगर हम यहाँ पे सिंपली इस तरह चला देंगे अपनी क्वेरी को, तो ये रन करने के बाद हमें ये असेंडिंग ऑर्डर देता है, बिकॉज ऑर्डर बाय क्लॉज बाय डिफॉल्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर. बेसिकली मैं यहाँ पे अगर ASC लिखूँ तो रिजल्ट सेम है, बिकॉज ऑर्डर बाय बाय डिफॉल्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, बट हमें इसको डिसेंडिंग में पब्लिश करना है. तो रिजल्ट आएगा यूजिंग DESC कीवर्ड. इस कीवर्ड के थ्रू हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अपना रिजल्ट पब्लिश करवा सकते हैं. ये फेच करवाने के बाद एक और अगर हम चाहें तो यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा सकते हैं, बिकॉज जनरली प्रोजेक्ट की वैल्यू अगर नल है तो वो हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं होगी, राइट? तो इसके लिए हम वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं. तो वेयर क्लॉज के लिए हमें अपने ग्रुप बाय स्टेटमेंट से पहले वेयर क्लॉज की स्टेटमेंट पुट करनी होगी, और हम यहाँ पे दे सकते हैं वेयर प्रोजेक्ट इज नॉट नल. और अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काउंट आ गया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? बिकॉज हमने यहाँ ऑर्डर बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज DESC पुट किया है. इसी के साथ मैं ग्रुप बाय के रिलेटेड आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जब भी आप ग्रुप बाय पुट करेंगे और आप जिस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप बाय पुट कर रहे हैं सिर्फ वही कॉलम एग्जैक्टली आप यूज कर सकते हैं अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में. अगर बाकी और कोई भी कॉलम आप यूज करते हैं तो उसमें आपको एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करना ही पड़ेगा. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे EMP ID एज इट इज दे देती
तो ये क्वेरी रन नहीं होगी, ये एरर रिटर्न करेगी। उसका रीज़न ये है कि कॉलम ई एम पी आई डी इज इनवैलिड इन द सिलेक्ट लिस्ट, बिकॉज ना ये एग्रीगेट फंक्शन में यूज़ हो रही है और ना ही ये ग्रुप बाय क्लॉज में लगी हुई है। तो जिस भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप बाय दिया गया है उसी को एग्जैक्टली यूज़ करा जा सकता है अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में, अदरवाइज आपको एग्रीगेट फंक्शंस पुट करने ही पड़ेंगे। और इससे रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स पे भी लगा सकती हूँ जिससे वो सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज हो सकते हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसा रन करूँ तो ये मुझे वैल्यू दे देगा, एंड बिकॉज मेरे पास 5 कॉम्बिनेशंस यूनिक आ रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेरी के अकॉर्डिंग, जहाँ पे प्रोजेक्ट इज नॉट नल, इस तरह के मेरे पास 5 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो उसने उसकी ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट दे दिया है। अदरवाइज मुझे अगर अब कोई भी और फंक्शन यूज करना है तो मुझे एग्रीगेट फंक्शन ही लगाना पड़ेगा। तो ये तो हुई ग्रुप बाय से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। बट मैं अपनी ओरिजिनल क्वेरी जो हमारे सिनेरियो से रिलेटेड थी वो एक बार यहाँ पे पुट कर दूंगी। एंड ये कॉलम मेरा वो है जो मैंने अपने काउंट के कॉलम का नेम दिया था, और क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना है तो हम डी एस सी कीवर्ड का यूज़ करेंगे और इस क्वेरी को रन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को देख लेते हैं, जो हमें डेटा सेट प्रोवाइडेड है इसके बेसिस पे एक सिनेरियो हमें दिया जाएगा और फिर हमें क्वेरी बिल्ड करनी होगी। हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट में हम देख पा रहे हैं 2 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स और एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉय आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंड एम्प्लॉय सैलरी में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट एंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल सैलरी दी हुई है, राइट। तो इसके बेसिस पे अब हम अपने सिनेरियो को चेक करेंगे एक बार। सिनेरियो 6 ये कहता है, राइट क्वेरी टू फेच एम्प्लॉय डिटेल्स ऑर्डर बाय फुल नेम असेंडिंग एंड प्रोजेक्ट डिसेंडिंग। अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा टेबल कौन सा मुझे यूज करना है, बिकॉज कितनी बार ऐसा होगा कि आपको 2-3 टेबल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं बट क्वेरी में सारे नहीं यूज हो रहे होंगे, तो ये हमें इन्फर करना पड़ेगा अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है टेबल का नाम। यहाँ पे हमारे पास टेबल का नेम मेंशन नहीं है, बट अब हमें कॉलम्स चेक करने होंगे। तो कॉलम्स में हमें फुल नेम और प्रोजेक्ट ये बताया गया है, इन कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन हम चेक करेंगे कौन से टेबल में है। तो एम्प्लॉय डिटेल्स में फुल नेम कॉलम है और एम्प्लॉय सैलरी में प्रोजेक्ट कॉलम है, तो हमें ये समझ आता है यहाँ पे कि हमें दोनों ही टेबल्स का यूज करना पड़ेगा, एक टेबल को यूटिलाइज करके ये क्वेरी नहीं बिल्ड हो पाएगी। अब इसके बाद हमें इसमें इनर जॉइन का यूज करना शॉर्ट शॉर्ट है, वाई बिकॉज हमें दोनों टेबल से डेटा फेच करना है एंड इनका इंटरसेक्टिंग डेटा ही हमें फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों कॉलम्स को यूज करके हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको शो करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्वेरी क्रिएट करेंगे अब, बट उससे पहले अपना एक बार आउटपुट जो हम हमेशा चेक करते हैं कि किस तरह से आने वाला है वो हम बिल्ड कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ फुल नेम जो है हमें ये एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है एंड प्रोजेक्ट डिसेंडिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं फुल नेम एक बार लिखूंगी और इसको सॉर्ट कर देते हैं A टू Z, बिकॉज दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, राइट। अब पॉइंट ये है कि हमें प्रोजेक्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट कॉलम लिख लूँगी, हेनरी जेम्स का प्रोजेक्ट, दैट इज 1001 इज P1 ओनली, सो ओवर हेयर वी हैव नो इशूज। जेसिका होम्स दैट इज 1003, हमारे पास P1 अगेन, ग्रेट। अब जॉन फोर्ड हमारे पास आते हैं 2, यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेसी है, राइट। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी कुछ भी हो बट हमारा जो नेम है वो डुप्लीकेट नेम है, बिकॉज 2 एम्प्लॉयज़ का नेम सेम हो सकता है,
दैट इज अ लॉजिकल थिंग, बट यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले करवाना है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि जॉन फोर्ड जो दो हैं उनके एम्प्लॉय आईडीज क्या है। एक है 1005 एंड दूसरा है 1009। ओके, तो 1005 के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट है P8 और 1009 के लिए P5। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है तो हम यहाँ पे पहले P8 ही देंगे, ना कि P5, बिकॉज इस पर्टिकुलर कॉलम को हम डिसेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं। तो कहीं पर भी ऐसा सिनेरियो बनता है जहाँ पे डुप्लीकेसी है या ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास इनका वो ऑर्डर मैच नहीं हो रहा असेंडिंग वाला, तो हम इस पर्टिकुलर को हमें डिसेंडिंग में ही डिस्प्ले करवाना है इस पर्टिकुलर कॉलम को। और दूसरा 1009 का है P5। ग्रेट, अब मैथ्यू पीटरसन नेक्स्ट, तो दैट इज नॉट अ डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ पे सिंपली हम P7 लिख देंगे। फॉर राघव भाटिया 1004 हमारे पास P4 है। ओके, नाउ हमारे पास डुप्लीकेसी का अगेन सिनेरियो आ गया है शारन आल्बा के लिए, एंड फॉर दिस वी हैव 1006 एंड 1007। तो ये तो एम्प्लॉय आईडीज भी असेंडिंग में ही है, बट उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ फुल नेम और प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं फॉर ऑर्डर बाय। तो हमारे पास यहाँ शारन आल्बा के लिए दोनों हमें वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। 1006 का है P6, ओके, और 1007 का है P2। तो यहाँ पे P6 वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, वही ऊपर आएगी और बाद में आएगा P2, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज डिसेंडिंग में ही अरेंज्ड है। एंड देन इज डीएन महेश विच इज सिंपली P2 प्रोजेक्ट, राइट। तो इन दोनों कॉलम्स के हिसाब से हमने आउटपुट यहाँ पे अपना मैनुअली एक बार चेक कर लिया है। इसके बाद हम क्वेरी बिल्ड करेंगे अब और देखते हैं कि हमारी क्वेरी मैच करती है कि नहीं अपने बनाए हुए आउटपुट से। हम एम्प्लॉय डिटेल्स भी डिस्प्ले करवाएंगे, बट यहाँ पे मैंने जो आउटपुट आपको बताया है वो अकॉर्डिंग टू द टू कॉलम्स है, तो इन्हीं दोनों कॉलम्स के हिसाब से हमारा आउटपुट आना चाहिए। ओके, सो अजोर डेटा स्टूडियो मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड एज एक्सप्लेन बिफोर कि आप सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ पहले मैं अपने एम्प्लॉय डिटेल्स एंड एम्प्लॉय सैलरी टेबल्स एक बार चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों टेबल्स में मेरे पास वही डेटा है जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सेल में दिखाया है। इन दोनों डेटा सेट्स के अकॉर्डिंग ही इन दोनों टेबल्स में डेटा इंसर्टेड है। ग्रेट, अब हम अपनी क्वेरी बिल्ड करते हैं। राइट, सो हमने ये डिसाइड किया था कि हम इसमें इनर जॉइन यूज करके कॉमन और इंटरसेक्टिंग डेटा को ही पिक करेंगे। राइट, तो सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल्स, इसको एलियास नेम दे दिया है ए, एंड पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एलियास नेम क्यों देते हैं हम, खासकर जॉइन जब भी हम यूज़ कर रहे हैं। एंड बिकॉज हम यहाँ पे इनर जॉइन यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ इनर जॉइन लिख देंगे, और यू कैन राइट सिंपली जॉइन विच इज़ बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन, राइट। और इसको भी एलियास नेम देते हुए अब हमें पता है कि हम अपने ई एम पी आई डी को यूज़ करते हुए आ रहे हैं एज अ रेफरेंस और जॉइनिंग कंडीशन कॉलम, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेरी को हम एक बार रन करते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट, हमारे पास ये डेटा आ गया है। इस डेटा को देखने के बाद अब मैं अपनी क्वेरी को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगी कि जो दो कॉलम्स है, राइट, फुल नेम का कॉलम फ्रॉम टेबल ए और प्रोजेक्ट का कॉलम फ्रॉम टेबल बी, इस दोनों कॉलम्स को मैं पिक करवा के सबसे आगे डिस्प्ले करवा लूँगी अपने रिजल्ट के। इससे क्या होगा, दिस इज जस्ट
टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि जो मेरा डेटा है वो सही रिटर्न हो रहा है या नहीं। ऐसा करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप कुछ भी डेटा सेट रिटर्न करवा रहे हैं वो आप अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये डेटा सही आ रहा है कि नहीं। तो इसी को चेक करने के लिए हम यहाँ पे ये आगे दोनों को डिस्प्ले करवा दिया है हमने, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा आ रहा है, वैसे जैसे आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो मेरे पास शैरन अल्बा यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल ठीक, मैथ्यू पीटरसन, एंड लास्ट में आ रहा है जॉन फोर्ड, हेनरी जेम्स, टी एन महेश। तो बेसिकली मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये डेटा अरेंज नहीं है। अभी अभी मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा, और किस तरह से अरेंज करना है वो मेरे सिनेरियो में मेंशनड है। मुझे फुल नेम असेंडिंग चाहिए और प्रोजेक्ट डिसेंडिंग। ग्रेट, तो अब हम इसमें ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करने वाले हैं। ऑर्डर बाय फुल नेम विच इज असेंडिंग। अब यहाँ पे एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है ऑर्डर बाय क्लॉज का, कि मुझे बार बार ऑर्डर बाय मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मुझे दूसरी कंडीशन मेंशन करनी है तो मैं यहाँ ऑर्डर बाय दोबारा नहीं लिखूंगी, राइट। इसमें मुझे सिर्फ कॉमा यूज करके दूसरी कंडीशन मेंशन कर देनी है कि किस तरह से हम यहाँ ऑर्डर बाय देना चाहते हैं। तो मेरा पहला कॉलम है फुल नेम, जो कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाना चाहती हूँ, और मेरा दूसरा कॉलम है प्रोजेक्ट, जो मैं चाहती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, राइट। मैंने यहाँ पे दोनों कॉलम्स को मेंशन कर दिया है, एंड एलियास नेम के साथ, बिल्कुल इन दोनों कॉलम्स को मेंशन कर दिया है, और अपने दोनों कॉलम्स जो मैं जिन पे ऑर्डर बाय लगा रही हूँ उनको आगे भी मेंशन कर दिया है अपने डेटा सेट के। ये सिर्फ इसलिए ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरा डेटा करेक्टली डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, बिकॉज जो हमने आउटपुट यहाँ पे मैन्युअली चेक किया था उसमें हमने इन्हीं दो कॉलम्स को अभी यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था अपनी एक्सेल में। तो अब हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करेंगे आफ्टर पुटिंग ऑर्डर बाय क्लॉज ए डॉट फुल नेम ए एस सी एंड बी डॉट प्रोजेक्ट डी एस सी। ग्रेट, तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा आ गया है, आई होप ये बिल्कुल सही हो। तो हमारे पास हेनरी, जेम्स, जेसिका, जॉन, मैथ्यू, राघव, शारन एंड टी एन महेश। तो ये तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये बिल्कुल करेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। फुल नेम जैसे मैंने मेंशन किया था असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, बट अब मेन पॉइंट आता है प्रोजेक्ट क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो मुझे ये पता था कि डुप्लीकेसी आ रही है कुछ नेम्स में, एंड बिल्कुल वैलिड है ये पॉइंट कि डुप्लीकेसी आ सकती है नेम्स में। वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर वाला आना चाहिए, राइट। तो पहले बिगर वैल्यू आएगी विच इज़ P8, और उसके बाद P5 आया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और फिर शारन एल्बा में भी जब डुप्लीकेसी थी तो पहले P6 और फिर P2 आया हुआ है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा डेटा बिल्कुल सही से डिस्प्ले हो गया है। मैं यहाँ पे वैलिडेट भी कर सकती हूँ कि मेरा शारन के साथ P6 पहले था और फिर P2, एंड जॉन के साथ P8 पहले था फिर P5, एंड बाकी सारे आर नॉट सच अ लाइक कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, बिकॉज वहाँ पे सिंपली मेरा ऑलरेडी आउटपुट जो अरेंज था वो फुल नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग में आ रहा है, एंड प्रोजेक्ट की वैल्यूज में भी कोई इशू नहीं आ रहा था। तो बेसिकली ऑर्डर बाय ने किया क्या है कि पहली प्रेफरेंस इस पर्टिकुलर कॉलम को देके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, और फिर जब आती है प्रोजेक्ट की बारी, इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए वैल्यूज अरेंज करने की बारी आई तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवा दी गई है। तो आई होप आपको ये ऑर्डर बाय क्लॉज का सिनेरियो बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा सेट दिया गया है उसमें प्रोडक्ट रिव्यूज़ का टेबल मेंशनड है, एंड रिव्यू आईडी, यूज़र आईडी, सबमिशन डेट, प्रोडक्ट आईडी, स्टार रेटिंग, ऐसे कुछ कॉलम्स मेंशनड है। तो मैं अगर सिनेरियो देखती हूँ तो उसमें पूछा गया है, गिवन द रिव्यूज टेबल राइट अ क्वेरी टू गेट द एवरेज स्टार्स फॉर ईच प्रोडक्ट एवरी मंथ। द आउटपुट शुड इंक्लूड द मंथ इन न्यूमेरिकल वैल्यू, प्रोडक्ट आईडी एंड एवरेज स्टार रेटिंग राउंडेड टू टू डेसिमल प्लेसेस। सॉर्ट द आउटपुट बेस्ड ऑन मंथ फॉलोड बाय द प्रोडक्ट आईडी। ओके, तो अगर अब मैं अपना मैन्युअली आउटपुट क्रिएट करने की कोशिश करूं, जिसके साथ साथ मैं आपको ये सिनेरियो भी समझाती जाऊंगी कि एक्चुअली इसमें पूछा क्या गया है, आउटपुट में आना चाहिए मंथ इन न्यूमेरिकल वैल्यू,
तो यहाँ पे मंथ का एक कॉलम होगा, मंथ वैल्यू जिसे मैं बोल सकती हूँ, और प्रोडक्ट आईडी और एवरेज स्टार रेटिंग। तो इस तरह के कुछ कॉलम्स मेरे आउटपुट में आने चाहिए, ठीक है। जो मेरा आउटपुट होगा वो सॉर्टेड आना चाहिए मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मेरे पास मंथ का तो कोई कॉलम यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, मुझे सबमिशन डेट दिख रही है जिससे मैं मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज डेट का सिर्फ यही एक कॉलम है जो मेरे टेबल में एग्जिस्ट करता है। अब मैं यहाँ पे जो फर्स्ट डेट देख पा रही हूँ वो 7/23/2022, ऐसी डेट कुछ मेंशनड है, राइट। तो मुझे ये पता चल रहा है कि इसका जो मंथ है वो 7 होने वाला है, जुलाई मंथ की यहाँ पे सबमिशन डेट मेंशनड है, एंड प्रोडक्ट आईडी मेरे पास है 8002 और स्टार रेटिंग है उसकी 4। इस तरह की कुछ वैल्यू मैंने अभी फर्स्ट वाली रो के लिए निकाल ली है। तो मैं अभी 7th मंथ के लिए आपको आउटपुट मैन्युअली क्रिएट करने वाली हूँ, बिकॉज सब रोज का हम आउटपुट डिस्कस नहीं करेंगे, हम क्वेरी बिल्ड करेंगे अपनी डायरेक्टली। यहाँ पे जो मेरी दूसरी वैल्यू है 7th के लिए वो लाई कर रही है इधर 8002 और उसकी रेटिंग है 4। मैं यहाँ पे 8002 और 4 नहीं, 3 एक्चुअली, या तो यहाँ पे इसकी रेटिंग दी हुई है 3। और नेक्स्ट जो मेरी वैल्यू है वो प्रोडक्ट आईडी 7/8/754 और रेटिंग 3। तो यहाँ पे मंथ की वैल्यूज 7, इसके बेसिस पे मेरा कुछ प्रोडक्ट आईडी है और उसकी मुझे एवरेज स्टार रेटिंग निकालनी है। अब जो मेरी एवरेज स्टार रेटिंग निकलेगी वो ईच प्रोडक्ट एवरी मंथ इस तरह से आनी चाहिए। तो हर प्रोडक्ट के लिए एवरेज स्टार रेटिंग मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे स्टार रेटिंग 4 और 3 का एवरेज मुझे निकालना होगा बेसिकली, बिकॉज प्रोडक्ट आईडी इनकी सेम है। तो इस तरह की कुछ मेरी रेटिंग आ जाएगी फॉर 8002 प्रोडक्ट आईडी, एंड 7/8/754 के लिए एक ही रेटिंग है यहाँ पे, तो एवरेज स्टार रेटिंग यही रहने वाली है। मुझे एक और क्लॉज यहाँ पे दिया गया है सिनेरियो में कि सॉर्ट द आउटपुट बेस्ड ऑन मंथ फॉलोड बाय द प्रोडक्ट आईडी। अभी मैं इसी मंथ के लिए आपको बता रही हूँ, बट प्रोडक्ट आईडीज भी मेरे सॉर्टेड रहने चाहिए। सो बेसिकली जो मेरा आउटपुट कुछ आना चाहिए वो ये वाला प्रोडक्ट पहले डिस्प्ले होगा, इसके बेसिस पे मेरा आउटपुट आना चाहिए। तो अभी मैंने 7th मंथ के लिए अपना आउटपुट यहाँ पे फेच करवा लिया है मैनुअली, हमने डिस्कस करा है कि आउटपुट कैसा आता है। तो बेसिकली हम हमेशा अपने आउटपुट को पहले डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे अपनी क्वेरी बिल्ड करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपनी क्वेरी लिखना शुरू कर दूंगी तो आप सिर्फ मुझे क्वेरी लिखता हुआ देख रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्वेरी डेटा को देख के कैसे बिल्ड करनी है। इसके लिए हम हमेशा मैनुअली अपनी आउटपुट को पहले क्रिएट कर लेते हैं एक बार और फिर अपनी क्वेरी बिल्ड करते हैं। तो क्वेरी बिल्ड करने के लिए मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे जाके इस डेटा को एक बार सिलेक्ट करवा लेती हूँ इस टेबल से। ये मेरा वही डेटा सेट है जो उस पर्टिकुलर एक्सेल में हमने देखा है प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए। मुझे ये पता है कि मुझे मंथ और प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे अपनी एवरेज स्टार रेटिंग निकालनी है, तो इसके लिए मुझे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना पड़ेगा मंथ वैल्यू पे और प्रोडक्ट आईडी पे। अब मंथ वैल्यू क्या है वो तो मुझे यहाँ पे पता ही नहीं है कि मंथ मेंशन्ड कौन सा, मेरा मंथ कौन से कॉलम से आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मैं सबमिशन डेट कॉलम का यूज करने वाली हूँ अपने मंथ की वैल्यू फेच करवाने के लिए। उसके लिए मुझे यूज करना होगा डेट पार्ट फंक्शन। डेट पार्ट फंक्शन मैं यूज करने वाली हूँ, एंड यहाँ पे दो वैल्यूज ये एज अ पैरामीटर लेता है, इंटरवल और डेट। तो इंटरवल मेरा मंथ के लिए MM हो जाएगा और डेट मैं देने वाली हूँ इसको अपना सबमिशन डेट का कॉलम जो मेरे टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इस पर्टिकुलर फंक्शन से मैंने मंथ फेच करवा लिया है अपने सबमिशन डेट कॉलम से। ओके, यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय क्लॉज मेंशन कर दिया है, लेकिन मैं एस्ट्रिस्क यूज करके अपने सारे कॉलम्स को डिस्प्ले नहीं करवा सकती हूँ, बिकॉज ये मुझे एरर देगा, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ग्रुप बाय है वो सिलेक्ट में उन्हीं कॉलम्स को ले सकता है,
जो कि ग्रुप बाय क्लॉज में मेंशनड है। अगर आप कोई दूसरा कॉलम यूज करना चाहते हैं तो आपको उसको एग्रीगेट फंक्शन देना होगा, जो कि हम अभी देने वाले हैं। इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक बार ग्रुपिंग कैसे हो रही है वो दिखाने के लिए एग्जीक्यूट करवाई है ये क्वेरी। इसको मैं कॉलम को नाम दे देती हूँ यहाँ पे मंथ वैल्यू का। तो यहाँ पे मेरे पास 6 रोज आ गई हैं, 6 रोज आई हैव ओवर हेयर, 1, 5, 7, 7, 11 और 12। तो मेरा जो डेटा है वो मंथ और प्रोडक्ट वाइज ग्रुप होके आ गया है, ठीक है। अब लेकिन मुझे एवरेज स्टार रेटिंग निकालनी है, राइट। तो एवरेज स्टार रेटिंग निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एवरेज लगाना होगा किस पे, स्टार रेटिंग के कॉलम पे जो मेरा टेबल में मैंशनड है, उसमें मैंने एवरेज स्टार रेटिंग निकालने के लिए एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर लिया है। अब मैं इसको अगर डायरेक्टली ऐसे ही एक बार चला के देखती हूँ कि क्या रिजल्ट आ रहा है, तो मेरे पास कुछ एवरेजेस आ चुकी हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग, जो भी मेरी ग्रुपिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। और ये जो लास्ट कॉलम है इसको भी मैं नाम दे सकती हूँ एवरेज स्टार रेटिंग का। एंड यही हमने इस तरह की वैल्यूज ही अपने आउटपुट में मैनुअली भी चेक की थी। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो सॉर्टेड नहीं आ रहा है, बिकॉज मैंने प्रोडक्ट और यहाँ जो मंथ की वैल्यू चेक करी है वो 11, 12, 5, 7, 1, 7 इस तरह से कुछ भी वैल्यूज किसी भी ऑर्डर में आ रही हैं, राइट। एंड मेरे पास सिनेरियो में ये बोला गया है कि मुझे मंथ और प्रोडक्ट के बेसिस पे ही अपनी वैल्यूज को सॉर्ट करवाना है। तो उसके लिए मैं पहले एक बार ऑर्डर बाय यहाँ पे लगा देती हूँ मंथ वैल्यू, जो कि मेरा ये वाला पर्टिकुलर कॉलम है, और प्रोडक्ट आईडी रेट। अब इसके बेसिस पे मैं एक बार अपना डेटा सॉर्ट करवा लेती हूँ। तो ये मेरा जो डेटा है इस तरह से डिस्प्ले हो गया है, 1, 5, 7, 7, 11, 12 एंड प्रोडक्ट आईडी की वैल्यूज जो हैं वो भी सॉर्टेड ही आ रही है। अगर मैं 7 के लिए देखूँ तो पहले 7, 8, 7, 5, 4 आ रहा है और फिर 8, 000, 2। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में मेरा डेटा डिस्प्ले हो गया है, ग्रेट। बट क्या ये मेरा फाइनल आउटपुट है? नॉट एट ऑल, बिकॉज मुझे जो एवरेज स्टार रेटिंग है उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही अपना डेटा डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे पूछा गया है एवरेज स्टार रेटिंग जो है राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस आनी चाहिए, एंड जो मेरा स्टार रेटिंग का कॉलम है वो तो इंटीजर वैल्यू में है, तो एवरेज जो आएगी वो भी इंटीजर वैल्यू की तरह ही डिस्प्ले होने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है, मुझे जो अपना आउटपुट दिखाना है वो राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही दिखाना है। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे कास्ट फंक्शन का यूज़ करके अपने डेटा को डेसिमल में डिस्प्ले करवा सकती हूँ। एंड मैं यहाँ पे कास्टिंग कर लूँगी अपने कॉलम के लिए, जो स्टार रेटिंग का कॉलम है उसमें कास्टिंग कर दूंगी, और इसमें मुझे देना होता है प्रिसीजन और स्केल। तो प्रिसीजन जो मेरा है वो क्या कहता है कि जो टोटल वैल्यूज होने वाली है मेरे स्टार रेटिंग में वो बता दो, नंबर होने वाला है बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट्स, तो ये यहाँ पे 5। और बिकॉज मुझे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस देना है इसको, तो स्केल मैंने दे दिया 2। तो ये डेसिमल जो मेरा है डेटा टाइप वो 2 वैल्यूज को एज अ पैरामीटर लेने वाला है, दैट इज प्रिसीजन एंड स्केल। अब मैं इस तरह से अपने डेटा को एवरेज लेने वाली हूँ। लेकिन अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं तो क्या अभी ये मेरा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आया रिजल्ट? नो। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने कास्टिंग तो कर दी, बट जो एवरेज ये फाइनल निकली उसमें मेरे पास कास्टिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं आई। स्टार रेटिंग तो कास्ट हो गया था, बट जो एवरेज मेरी निकल रही थी वो नहीं हुई। इसके लिए मुझे एक और बार इसको कास्ट करना पड़ेगा एज डेसिमल अपने फाइनल एवरेज वैल्यू को जो कैलकुलेट होके आ रही है, और इसके बाद मुझे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होगा। तो अब यहाँ पे मेरी जो फाइनल एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट हो रही थी वो भी कास्ट हो चुकी है एज डेसिमल 5, 2। मैंने यहाँ पे प्रिसीजन 5, 2 दे दिया है, प्रिसीजन और स्केल का कॉम्बिनेशन। अगर आपको पता है कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होने वाली है वो 3 होने वाली है या 4 होने वाली है, वो आप उस तरह से भी दे सकते हैं, बट फॉर सेफ्टी मैंने प्रिसीजन और स्केल का यहाँ पे 5 और 2 का कॉम्बिनेशन दिया है।
मेरा यहाँ पे जो डेटा था वो मैंने ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके ग्रुप्स में डिवाइड भी कर लिया अपने मंथ और प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे एवरेज फंक्शन को यूज करके मैंने अपनी स्टार रेटिंग की एवरेज वैल्यू भी निकाल ली है और ऑर्डर बाय को यूज करके मैंने डेटा को सॉर्ट भी करवा लिया है। तो बेसिकली सारे मेरे जो सिनेरियो के क्लॉजेस थे वो फुलफिल हो गए हैं। जो भी सिनेरियो में मुझसे पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने डेटा को फेच करवा लिया है। सो आई होप आपको ये ग्रुप बाय क्लॉज, एग्रीगेट फंक्शंस विच इज द एवरेज फंक्शन वी हैव यूज्ड ओवर है, ऑर्डर बाय और सॉर्टिंग फॉर टू पर्टिकुलर कॉलम्स, ये कॉन्सेप्ट आज अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हमने इसमें तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ने की कोशिश करी है। एंड इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए अगर आपके पास कोई भी और मेथड है और ऑल्टरनेट वे है इसको सॉल्व करने का, सो प्लीज कमेंट में वो मुझे बताइए। अपने डेटा सेट को एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास मंथली कार्ड्स इश्यूड इस तरह का टेबल दिया गया है यहाँ पे, जिसमें कार्ड नेम, इशू मंथ, इशू ईयर एंड इशूड क्वांटिटी, ऐसी इंफॉर्मेशन मेंशनड है। हमारा सिनेरियो ये कहता है, योर टीम एट जेपी मॉर्गन चेस इज सून लॉन्चिंग अ न्यू क्रेडिट कार्ड एंड टू गेन सम कॉन्टेक्स्ट यू आर एनालाइजिंग हाउ मेनी क्रेडिट कार्ड्स वर इशूड ईच मंथ। राइट अ क्वेरी दैट आउटपुट्स द नेम ऑफ ईच क्रेडिट कार्ड एंड द डिफरेंस इन इशूड अमाउंट बिटवीन द मंथ विद द मोस्ट कार्ड्स इशूड एंड द लीस्ट कार्ड्स इशूड। ऑर्डर द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द बिगेस्ट डिफरेंस। ओके, सो जैसे हम हमेशा एक बार आउटपुट पहले डिस्कस कर लेते हैं, वही मैं आउटपुट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूंगी और साथ साथ ही आपको सिनेरियो में क्या पूछा गया है ये भी बताऊंगी। राइट अ क्वेरी दैट आउटपुट्स द नेम ऑफ ईच क्रेडिट कार्ड एंड द डिफरेंस इन इशूड अमाउंट बिटवीन द मंथ विद द मोस्ट कार्ड्स इशूड एंड द लीस्ट कार्ड्स इशूड। तो बेसिकली यहाँ पे कार्ड नेम का एक कॉलम आना चाहिए आउटपुट में और मेरे पास डिफरेंस आना चाहिए। तो डिफरेंस नाम का एक कॉलम मैं आउटपुट करने वाली हूँ, बट वो किस बेसिस पे है? हर कार्ड नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे डिफरेंस दिखाना है उस मंथ में जब लीस्ट कार्ड्स इशू हुए थे और जब हाईएस्ट कार्ड्स इशूड हुए थे, राइट? तो मैं यहाँ पे अभी एक कार्ड नेम लेने वाली हूँ और उसका ही आउटपुट मैनुअली एक बार बनाऊंगी। मैं साउथ वेस्ट रैपिड रिवॉर्ड्स ये कार्ड यहाँ पे पिक कर लिया है और इसका आउटपुट मैं अब क्रिएट कर रही हूँ। मेरे आउटपुट में जो साउथ वेस्ट रैपिड रिवॉर्ड्स है, अभी इसकी 4 रोज मुझे टेबल में पता चल रही हैं कि है। फर्स्ट मंथ में इसकी 1700 है अमाउंट, क्वांटिटी जो इशू हुई है, और सेकेंड मंथ में 1899, थ्री में 2630 और फोर्थ में 5986। तो मुझे ये पता चल रहा है कि 5986 हाईएस्ट है यहाँ पे और लीस्ट है 1700। डिफरेंस में क्या आएगा? 5986 और 1700 का डिफरेंस यहाँ पे मुझे इस कॉलम की वैल्यू साउथ वेस्ट रैपिड रिवॉर्ड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग दिखानी है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 5986 और 1700, राइट, ये हो जाएगा 4286, राइट। ये डिफरेंस यहाँ पे मैंने निकाल लिया है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का। तो मेरा आउटपुट ऐसा आने वाला है अब, ठीक है? मैंने ये सिर्फ अभी एक ही कार्ड नेम के लिए निकाला है, तो बाकी का देखने के लिए हम अपनी क्वेरी बिल्ड करते हैं। सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में मैं कार्ड्स, मंथली कार्ड्स इशूड, राइट, दिस वाज द टेबल नेम जो मैंने क्रिएट कर लिया था और इसमें डेटा भी इंसर्ट करवा दिया है। ये वही डेटा सेट है जो अभी हमने एक्सेल में देखा है। अब मुझे क्या करना है कि कार्ड नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट इशूड क्वांटिटी निकालनी है, मैक्सिमम इशूड क्वांटिटी और लोएस्ट इशू क्वांटिटी निकालनी है, राइट, क्योंकि इन दोनों से ही डिफरेंस मुझे यहाँ पे आउटपुट करवाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके कार्ड नेम पे मैं ग्रुप बाय करने वाली हूँ। और बिकॉज जब भी हम ग्रुप बाय का यूज कर रहे हैं तो हम वही वाला कॉलम या तो आउटपुट में दे सकते हैं या कोई और कॉलम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होगा, बिकॉज अगर मैं ऐसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट कर दूंगी तो एरर आएगा, राइट। अब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इशूड क्वांटिटी की और मिनिमम क्वांटिटी निकालनी है इशूड क्वांटिटी की।
ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड नेम मेरे पास डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी, तो मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटीज आ जानी चाहिए। इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो मेरे पास फोर कार्ड नेम्स, फोर डिफरेंट तरह के कार्ड्स डेटा सेट में अवेलेबल है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मैक्स और मिन वैल्यू पता चल गई है। मैं इनको नाम दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हमने ये किस चीज़ की वैल्यू निकाली है। तो मैक्सिमम इशूड क्वांटिटी और मिनिमम इशूड क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है हर कार्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे साउथ वेस्ट में हमने 5986 और 1700 अभी डिस्कस किया था मैनुअली, तो इसी तरह का डेटा मेरे पास फेच हो के आ चुका है अपनी क्वेरी से, ठीक है। लेकिन आउटपुट ये नहीं होने वाला है। हमने देखा था कि हमें सिर्फ डिफरेंस कॉलम निकालना है हर कार्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इन दोनों कॉलम्स में डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ कर सकती हूँ, और एक कॉलम मैं यहाँ पे आउटपुट में दे सकती हूँ जिसको मैं डिफरेंस नाम दूंगी। तो इन दोनों कॉलम्स का नाम मैं हटा के डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करके सिंपली ये मैथमेटिक्स का माइनस साइन मैं यूज़ कर रही हूँ, और क्वांटिटी डिफरेंस इसको मैं नाम दे देती हूँ कॉलम को। एंड हमने यहाँ पे कार्ड नेम के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिफरेंस निकाल लिया है। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस आ चुका है, जैसे 4286 अभी हमने डेटा सेट में चेक किया था, ये 4286 मेरा साउथ वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग था। तो यही रिजल्ट मुझे मिल चुका है अपनी इस पर्टिकुलर क्वेरी में जिसमें हमने ग्रुप बाय यूज किया। बट क्या इससे हमारा सिनेरियो सॉल्व हो चुका है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमारे पास पूरी सिनेरियो में जो भी पूछा गया है वो आपको अच्छे से देखना होगा। ऑर्डर द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द बिगेस्ट डिफरेंस, ये भी एक लाइन यहाँ पे मेंशनड है। तो हमें इसको ऑर्डर भी करना है अभी बिगेस्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग, राइट? तो बिगेस्ट डिफरेंस का क्या मतलब हुआ कि मुझे इसको सबसे पहले डिफरेंस वो वाला देना पड़ेगा जो कि मेरा लार्जेस्ट डिफरेंस है, राइट? उसके लिए मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज करने वाली हूँ, और मैंने इस कॉलम को जो भी नाम दे रखा है, दैट इज क्यू टी वाई डिफरेंस, क्वांटिटी डिफरेंस, वही नाम मुझे यहाँ पे देना है। और अगर मैं इसको ऐसे ही चला देती हूँ बिना कुछ लिखे, तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय इज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए ये मेरा पर्टिकुलर सिनेरियो सॉल्व नहीं करता। मुझे यहाँ पे DESC लिख के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है डेटा को। और मैंने यहाँ पे अब क्या किया है, क्वांटिटी डिफरेंस सॉर्ट करवा लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। तो इससे मेरा सिनेरियो अब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। मैंने क्वेरी में डिफरेंस निकाल लिया है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का हर क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, हर कार्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, और उसके बाद मैंने उसको सॉर्ट भी करवा लिया है अकॉर्डिंग टू द बिगेस्ट डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय क्लॉज का आज कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने मैक्स और मिन एग्रीगेट फंक्शंस का यहाँ पे यूज किया है, ये सिनेरियो सॉल्व करने का एक तरीका था। अगर आपको कोई भी ऑल्टरनेट सोल्यूशन इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए रिलेटेड पता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। हमारे पास ये दो टेबल्स हैं एंड ये दोनों टेबल्स एम्प्लॉय की डिटेल्स एंड सैलरी बताते हैं। चलते हैं अपने सिनेरियो की तरफ। आज का सिनेरियो फिफ्थ है, वो ये कहता है कि राइट अ क्वेरी टू फेच इवन एंड ऑड रोज फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। तो यहाँ पे मुझे टेबल इन्फर करने के लिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? मेरे पास दो क्वेरीज मुझे बिल्ड करनी है, उसमें मुझे एक में इवन रिकॉर्ड्स को पिक करना है और दूसरे में ऑर्ड रिकॉर्ड को पिक करना है, और मेरा टेबल मेंशन्ड है एम्प्लॉय डिटेल्स। अगर मैं मैनुअली अपना एक बार डेटा सेट जो देख के आउटपुट क्रिएट करने की कोशिश करूं तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। मेरी एम्प्लॉय डिटेल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे ऑड नंबर वाले एम्प्लॉयज वो ये हो जाएंगे। वी आर अज्यूमिंग कि हमें एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से ही अपने रिकॉर्ड्स को पिक करना है, राइट? एंड 13579 से एंडिंग वाले रिकॉर्ड्स मेरे ऑड हो जाएंगे, और जो मेरे इवन वाले होंगे टू फोर सिक्स एंड एट।
ऐसा लग रहा है जैसे डेली में ऑड इवन रूल का यूज होता है, बिल्कुल वैसी ही क्वेरी हमें दी गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारा आउटपुट हमने क्रिएट कर लिया है मैनुअली एक बार चेक करके। 13579 हमारे ऑड रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और 2468 से एंड होने वाले एम्प्लॉय आईडीज हमारे इवन रिकॉर्ड्स में आ रहे हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने डेटा स्टूडियो की तरफ। मैं एज योर डेटा स्टूडियो यूज कर रही हूँ अपनी क्वेरी को बिल्ड करने के लिए, एंड इट इज सिमिलर टू सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल सही है। सबसे पहले अपने एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से डेटा फेच करवा लेते हैं। तो ये मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल है, एंड इसका जो डेटा है वो एग्जैक्टली वही है जो हमने यहाँ पे डेटा सेट में चेक किया है इन द एक्सेल शीट। ये वही डेटा है इंसर्टेड उस पर्टिकुलर टेबल में है। अब हमें अपनी क्वेरी बिल्ड करनी होगी फॉर ऑड एंड इवन रिकॉर्ड्स। इसको हम दो सॉल्यूशंस इसके क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन है उसमें हम यूज करने वाले हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसके लिए मैं एक बार अपनी क्वेरी को यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब इसमें मुझे क्या करना है, ई एम पी आई डी जो है मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मॉड्यूलो ऑपरेटर का पर्पस क्या है। तो उस पर्पस में हम ये देखते हैं कि मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 मॉड्यूलो 2, तो इसका रिजल्ट होगा 1, एंड अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 मॉड्यूलो 2, तो इसका रिजल्ट होगा 0। तो बेसिकली मॉड्यूलो ऑपरेटर मेरा रिमाइंडर फाइंड आउट करके मुझे देता है, ठीक है। अब इसी लॉजिक को यूज करते हुए मैं अपना बेयर क्लॉज पुट करूंगी और ये फाइंड आउट कर लूंगी कि कौन से वाले रिकॉर्ड्स हैं वो इवन है, कौन से ऑड है। और मैं ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटर है वो ई एम पी आई डी कॉलम पे पुट करूंगी यूजिंग 2। तो बेसिकली जो भी रिकॉर्ड्स इवन होंगे उनके लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर रिटर्न करेगा 0, एंड इसी तरह से अगर मुझे ऑड निकालना है तो उसमें मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मैं लिख सकती हूँ, या फिर मैं इक्वल टू 1 भी लिख सकती हूँ, बिकॉज हमारा रिमाइंडर हमेशा 2 के साथ 1 ही आएगा। इन दोनों क्वेरीज को अब हम एक बार रन करके देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे इवन आ गए रिकॉर्ड्स और यहाँ पे हमारे पास आ गए ऑड रिकॉर्ड्स, तो ये तो था एक सोल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेरी को सॉल्व, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए। अब हम दूसरा सोल्यूशन भी चेक कर लेते हैं। दूसरे सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं है जिसके बेसिस पे बेसिकली हमारे पास कोई आइडेंटिटी कॉलम नहीं है अगर टेबल में, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम रो नंबर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, हमें अपने रिकॉर्ड जो है उन्हें सॉर्ट करना होगा किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, एंड हम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी रो नंबर्स जनरेट कर लेंगे। उन रो नंबर्स को हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो ऑड है और या फिर वो इवन है। तो अपना दूसरा सॉल्यूशन अब हम लिखते हैं यूजिंग रो नंबर फंक्शन। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मुझे रो नंबर सिलेक्ट करनी होंगी, तो मैं एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में से सारा डेटा पुल करवा रही हूँ और रो नंबर फंक्शन भी यूज कर रही हूँ। मुझे ये किस एक्सप्रेशन पे लगाना है, मैं अभी के लिए ई एम पी आई डी मेरे पास कॉलम है तो मैं उसी पे ऑर्डर बाय यूज करूंगी, और हम इसको इन असेंडिंग ऑर्डर छोड़ सकते हैं।
अब यहाँ पे मेरे पास रो नंबर आ जाएगा, तो सबसे पहले इस क्वेरी का रिजल्ट चेक कर लेते हैं। मेरे पास रो नंबर जनरेट हो गया है और मैं कॉलम का नाम दे दूंगी ताकि मुझे आगे कंडीशन जब मैं लगाऊंगी उसमें हेल्प हो। तो मेरे पास रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 9 रोज जनरेट हो गई है इस पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू। मेरे पास रो नंबर कॉलम आ चुका है। एंड अब मैं क्या कर सकती हूँ कि इस रो नंबर कॉलम को यूज करके मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ इवन और ऑड रिकॉर्ड्स फेच करवा सकती हूँ। ये पर्टिकुलरली मैं रो नंबर उस केस में जनरेट करवाऊंगी जब मेरे पास कोई भी आइडेंटिटी कॉलम नहीं है फिगर आउट करने के लिए कि किस तरह की रोज वो होंगी, या तो ऑड या इवन। तो उसके लिए मुझे कोई तो आईडी जनरेट करनी ही पड़ेगी हर रो के कॉरेस्पॉन्डिंग। और क्योंकि मैं यहाँ पे रो नंबर यूज करने वाली हूँ तो इसको एज अ सब क्वेरी ही यूज करना पड़ेगा मुझे। मैं इसको टेम्प रिजल्ट का नाम दे देती हूँ। मैं अपना सारा डेटा पुल करवाने वाली हूँ इस पर्टिकुलर टेम्प क्वेरी से, बट मैं एक वेयर कंडीशन देना चाहती हूँ कि वही वाली रोज पिक हूँ जो मेरी इवन रोज है, राइट। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी का रिजल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इवन रिकॉर्ड्स आ गए, एंड फॉर ऑड रिकॉर्ड्स मैं सिमिलरली यहाँ पे 1 दे सकती हूँ। तो ये था हमारे 2 सॉल्यूशंस इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। राइट इस क्वेरी टू फेच इवन एंड ऑड रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। एंड हमने अपने जो दोनों रिजल्ट हैं वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमारे एक्सेल शीट में हमने ऑलरेडी आउटपुट जनरेट करा था, मैनुअली ही हमने टेबल देख के आउटपुट हमने फिगर आउट कर लिया था। यहाँ पे काफी कम डेटा रहता है तो हम अभी वेरिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैनुअली क्रिएट कर लेते हैं आउटपुट। बट बिकॉज आप तो लार्ज डेटा पे ही वर्क करने वाले हैं इन रियल लाइफ, राइट, इन रियल लाइफ सिनारियोज 4 5 रिकॉर्ड नहीं होंगे, हो सकता है 4 और 5 मिलियन रिकॉर्ड हों एक पर्टिकुलर टेबल में। तो वहां पे हमें सीक्वल के लॉजिक्स पता होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम अपनी क्वेरी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। बट वेरिफिकेशन के लिए हम देख पा रहे हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल सही आया है थ्रू हमारे 2 सॉल्यूशंस। सो आई होप आपको ये वाला सिनेरियो अच्छे से समझ आया होगा। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स एंड दूसरा टेबल है एम्प्लॉय सैलरी का। अब अपने सिनेरियो को एक बार चेक कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या दी गई है। जब आपके पास ये 2 टेबल्स मेंशन किए हों और अगर आपके पास कुछ ऐसी क्वेरी आ जाए जिसमें ये पूछा जाए कि राइट अ सीक्वल क्वेरी टू फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम अ टेबल, तो इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए आपको टेबल इन्फर करना होगा कि कौन सा टेबल यूज करके आप क्वेरी बनाएंगे, राइट, बिकॉज हमारे पास दोनों में से कोई भी टेबल मेंशन नहीं किया हुआ क्वेरी के अंदर, क्वेरी सिनेरियो के अंदर, राइट। एंड अपना टेबल इन्फर करने के लिए हमें ये देखना है कि कौन सा कॉलम की रिक्वायरमेंट है हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल, राइट। तो हमारे पास जो सैलरी का कॉलम है वो एम्प्लॉय सैलरी टेबल में ही है एंड एम्प्लॉय डिटेल्स से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमें यही पर्टिकुलर टेबल यूज करना है। अब हम एक बार अपना आउटपुट भी देख लेते हैं। वैसे सैलरीज का डिस्कशन जब हो रहा होता है तो ऐसे काफ़ी मैनेजर वाली फीलिंग आ सकती है, बिकॉज जनरली सब मैनेजर्स को ही पता होता है कि किसकी कितनी सैलरी है। हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, राइट, एंड हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अभी फिक्स सैलरी की बात हो रही है तो हम इस पर्टिकुलर कॉलम पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। हम अपने सैलरी का जो कंपोनेंट है वो सिर्फ फिक्स सैलरी वाला चेक करेंगे थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए। अब इसमें से हम मैनुअली ही चेक कर पाएंगे कि कौन सी सैलरी थर्ड हाईएस्ट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है 45,000, देन 30,000 और 17, तो 25, 25,000 हमारी है थर्ड हाईएस्ट सैलरी। तो ये तो हमारा आउटपुट है और हम इस कॉलम का नाम दे देंगे थर्ड हाईएस्ट सैलरी। बेसिकली अब हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह आना चाहिए, थर्ड
है सैलरी की वैल्यू आनी चाहिए 25,000। तो हमने कॉलम भी डिसाइड कर लिया है, टेबल हमें पता है, अब हमें बस क्वेरी बिल्ड करनी है। तो हम चलते हैं अपने अज्योर डेटा स्टूडियो की तरफ। यहाँ पे न्यू क्वेरी हमें एम्प्लॉय डेटाबेस पे चाहिए बिकॉज हमारे टेबल्स इसी में क्रिएटेड है। उसके लिए हम सबसे पहले अपना एम्प्लॉय सैलरी टेबल एक बार देखेंगे, इसका डेटा चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा एम्प्लॉय सैलरी का डेटा है यहाँ पे, वो एग्जैक्टली उससे मैच करता है जो हमने अभी शीट में देखा है। एग्जैक्टली इसी डेटा सेट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे टेबल में डेटा स्टोर्ड है। अब जैसे किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं, राइट, वी कैन टेक मल्टीपल रूट्स। उसी तरह हम इस क्वेरी के सोल्यूशन, बेसिकली सिनेरियो के सोल्यूशन पे आने के लिए हमारे पास मल्टीपल क्वेरीज का यूज़ हम कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट वेज है जिससे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड आज हम मल्टीपल वेज ही चेक करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे हम क्लॉजेस यूज करके डिफरेंट क्वेरीज बिल्ड कर सकते हैं सिर्फ एक ही सोल्यूशन के लिए। तो मेरा पहला वे है टॉप क्लॉज को यूज करके एंड सब क्वेरी का यूज करके अपनी क्वेरी बिल्ड करना। ये है मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मुझे सब क्वेरी पहले बिल्ड करनी होगी और फिर मैं टॉप क्लॉज का यूज करूंगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो फिक्स सैलरी है, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करने की कोशिश करेंगे इस कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो बेसिकली मुझे मैक्सिमम सैलरी सबसे पहले चाहिए, ऑर्डर बाय फिक्स सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मेरा ये पर्पस है कि मैं इनको अरेंज कर दूं, ठीक है, और फिक्स सैलरी के अकॉर्डिंग मैं डेटा फेच करूं। तो मैं सिर्फ फिक्स सैलरी वाला कॉलम फेच करवा लूंगी और एक बार इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। तो मेरे पास जो फिक्स सैलरी है वो अरेंज होके आ गई है। मैक्सिमम सबसे पहले 45,000, 30,000 और फिर 25,000। अब मुझे इस पर्टिकुलर रो दैट इज रिकॉर्ड उसको फेच करवाना है अपने थर्ड हायर सैलरी के लिए, राइट। तो मैं क्या करूँगी कि टॉप थ्री, सिर्फ इन्हीं थ्री रिकॉर्ड्स को पिक करने की कोशिश करूँगी। मुझे चाहिए कि जो टॉप के थ्री रिकॉर्ड्स हैं वो पिक हो। बेसिकली टॉप क्लॉज क्या करता है, आपने जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ मेंशन किए हैं वो पिक कर लेता है, ठीक है। तो टॉप से थ्री रिकॉर्ड्स यहाँ पिक कर लेगा। अगर मैंने यहाँ पे बेसिकली टॉप फोर दे दिया होता तो ये क्या करता कि फोर रिकॉर्ड्स पिक कर लेता, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है थर्ड हाईएस्ट सैलरी की, तो मैं थ्री ही रिकॉर्ड्स पिक करूंगी सिर्फ। मुझे फोर रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, ना टू ना सिक्स, राइट। तो मैंने क्या किया कि टॉप थ्री रिकॉर्ड्स रिटर्न करवा लिए ने इस पर्टिकुलर क्वेरी से। अब मेरे पास यहाँ पे थ्री रिकॉर्ड्स आ गए हैं, बट मुझे इन दोनों को एलिमिनेट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे सब क्वेरी का यूज कर सकती हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैंने सब क्वेरी बना दिया एंड इसका नाम हमने दे दिया एज टेम्प रिजल्ट, और अब इससे हम डेटा फेच करवाएंगे। तो अगर मैंने पिक सैलरी पिक करने की कोशिश करी फ्रॉम दिस सब क्वेरी तो रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या आता है। मेरे पास अभी भी यही तीन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ कि इसका ऑर्डर रिवर्स कर सकती हूँ। तो बेसिकली अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मैं इसको असेंडिंग में अरेंज कर सकती हूँ। और मुझे ये पता है कि अगर मैं ASC टाइप करूँगी यहाँ पे तो ये असेंडिंग में आ जाएगा, एंड अगर मैं ASC नहीं भी लिखती तो बाय डिफॉल्ट मेरा ऑर्डर बाय क्लॉज इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ही शो करेगा
यू कैन टाइप एएससी ओवर है और यू कैन लीव इट, बट अभी के लिए हम रहने देते हैं। हमने एस यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में पिक करवाया, अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में पिक करवा लिया। तो सबसे पहले मेरे पास 25,000 आ गया है। मैंने यहाँ पे टॉप थ्री का यूज़ करके फर्स्ट थ्री रिकॉर्ड्स निकाले थे, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि टॉप वन का यूज़ करके सिर्फ यही वाली जो रो है उसको पिक कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए और कोई रिकॉर्ड नहीं फेच करवाना। तो अगर मैं इसका रिजल्ट चेक कर रही हूँ तो 25,000 आ रहा है, राइट। एंड मैं इस कॉलम का नाम दे सकती हूँ थर्ड हाईएस्ट सैलरी, बिकॉज हमारा न्यूमेरिक से कॉलम का नाम नहीं स्टार्ट होता तो हमने अंडरस्कोर दे दिया है। और हम सिर्फ अल्फा भी छोड़ सकते हैं इसको थर्ड हायर सैलरी निकालने के लिए, एंड हमारे पास यहाँ पे थर्ड हायर सैलरी आ गई। तो बेसिकली मैंने टॉप क्लॉज का यूज़ करा है और ऑर्डर बाय का यूज़ करा है, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में फेच करवाया और फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक सोल्यूशन, बेसिकली एक वेव मैंने क्रिएट किया है अपनी इस सिनेरियो को रिजॉल्व करने के लिए, राइट SQL क्वेरी टू फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम अ टेबल। तो ये तो सिर्फ एक सोल्यूशन था, हम नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब तो अब हम नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है वो देखते हैं, और इसके लिए हम रो नंबर का यूज करेंगे। रो नंबर क्लॉज से हम ये वाली क्वेरी बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग सब क्वेरी। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज कर देती हूँ कि जो हमने यहाँ पे सैलरी थर्ड हाई सैलरी थ्रू टॉप क्लॉज निकाली थी, उसमें हम ये तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 45,000 सिर्फ एक एम्प्लॉय की नहीं मल्टीपल की हो सकती है। तो वहाँ पे क्या होगा कि डुप्लीकेसी आ जाएगी, उसके लिए हम डिस्टिंक्ट का यूज़ कर सकते हैं टू मेक श्योर कि हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ रही, एंड इसका रिजल्ट भी वही आएगा, बट डिस्टिंक्ट का यूज़ करके हमने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को एलिमिनेट कर दिया है। अच्छा, अब हमारे नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की तरफ, तो इसमें हमें रो नंबर का यूज़ करना है, राइट। एंड रो नंबर के लिए हमें पहले जानना होगा कि रो नंबर करता क्या है। रो नंबर जो क्लॉज है वो हमारे रिजल्ट सेट में जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उन रोज को एक नंबर असाइन कर देता है। उसके लिए हमें रो नंबर जो है वो किसी कंडीशन पे देना होता है। तो बेसिकली इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा रहता है, रो नंबर फंक्शन, एंड हमें किस पे ये डिफाइन करना है ये बताना होता है, और यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं। तो इस वाली क्वेरी के लिए क्या एक्सप्रेशन हम देंगे वो हमें बताना होगा। रो नंबर फंक्शन जिस पे हम लगा रहे हैं तो उसके लिए ओवर लिखा जाएगा, और फिर हम अपना एक्सप्रेशन मेंशन करेंगे। इस क्वेरी में हमें जो डेटा फेच करवाना है हम वो करवा रहे हैं एम्प्लॉय सैलरी टेबल से, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार एम्प्लॉय सैलरी टेबल, यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगी, एंड इसका एक्सप्रेशन अब मेंशन करूंगी। तो अभी भी हमें अपने जो एक्सप्रेशन में वही मेंशन करना है जो हमने टॉप के लिए यूज़ किया था। हम अपनी क्वेरी में जो डेटा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम प्लेस करवाने वाले हैं फिक्स सैलरी जो हमारा कॉलम है उसके थ्रू। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ऑर्डर आए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी फिक्स सैलरी को अरेंज कर दे, राइट। एंड इस पर्टिकुलर तो ये आपका एक रो नंबर यहाँ पे देगा,
हमारे इस ऑर्डर के हिसाब से डेटा को अरेंज करके, और इसका हम एक कॉलम नेम भी दे सकते हैं, रो नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन कर लेंगे और देखते हैं रिटर्न क्या करेगा, ये वाली क्वेरी क्या हमारी रिटर्न करती है। तो इसको मैं रन कर रही हूँ और मैं अब ये देख रही हूँ कि मेरा जो डेटा है एम्प्लॉय सैलरी का, वो सारा रिटर्न हो गया। और उसके साथ साथ, बिकॉज मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के रो नंबर का फंक्शन यूज़ किया है और इसको रो नंबर नाम दे दिया है, तो मेरा सैलरी के अकॉर्डिंग इन्होंने डेटा यहाँ पे रिटर्न करवा दिया और इसको असाइन कर दी वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरा जो डेटा अरेंज हुआ हुआ है वो मैं देख पा रही हूँ कि सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, फिक्स सैलरी का कंपोनेंट। और अब मैं इसको अपनी सब क्वेरी की तरह यूज करने वाली हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगी कि एक्स्ट्रा जो कॉलम्स है उसको हटा दूंगी, और उनको हटाने के बाद मैं सिर्फ फिक्स सैलरी को फेच करवाऊंगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेरी से मुझे सिर्फ फिक्स सैलरी यहाँ पे मिल गई, बिकॉज मुझे बाकी सब कॉलम्स की कोई नीड नहीं है। और जनरली हमें वही कॉलम्स रिटर्न करवाने चाहिए जो हमसे रिक्वायरमेंट में पूछे गए हैं, इससे क्वेरी भी फास्ट चलती है। तो अब मैंने यहाँ पे रो नंबर वाइज अरेंज करवा लिया है अपने डेटा को। अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास डेटा जो है फिक्स सैलरी का वो अरेंज हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में और रो नंबर भी आ गया है। बट जो सिनेरियो है वो कहता है कि हमें सिर्फ थर्ड हाईएस्ट सैलरी डिस्प्ले करवानी है, तो हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को एज सब क्वेरी ट्रीट करवा सकते हैं। और इस क्वेरी से हम अब डेटा फेच करेंगे। यहाँ पे मैं इसको टेम्प रिजल्ट का नाम दे देती हूँ इस पर्टिकुलर क्वेरी को। और मैं अगर सारा डेटा फेच कर रही हूँ तो अब मैं देखती हूँ कि क्या आ रहा है। तो ये क्वेरी एग्जैक्टली वही रिटर्न करेगी, बिकॉज अभी मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, एग्जैक्टली वही डेटा मैंने पुल करवा लिया जो सब क्वेरी में आ रहा था। बट मुझे सिर्फ फिक्स सैलरी चाहिए, और मुझे ये पता है कि रो नंबर जो है वो मेरा 25,000 के लिए क्या है, 3। तो मैं इसमें वेयर क्लॉज का यूज कर सकती हूँ, जहाँ पे रो नंबर 3 होगा, मुझे सिर्फ वही डेटा फेच करवाना है। अब इस क्वेरी को अगर हम रिटर्न करते हैं तो ये दे रहा है फिक्स सैलरी इज 25,000। बिकॉज ये मेरी थर्ड हाईएस्ट सैलरी है, इसलिए मैं वही नेम दे दूंगी जो मैंने पहले यूज किया था कॉलम का। तो ये वही डेटा रिटर्न हो गया मेरा जो फर्स्ट वाली से रिटर्न हो रहा था। दोनों क्वेरीज को एक बार साथ में रिटर्न हम रन करके एक बार चेक कर लेंगे, द रिजल्ट इज सेम, राइट। तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस क्रिएट हो गए एक ही पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। तो मेरा नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी सिमिलर होने वाला है मेरे सेकंड सॉल्यूशन से। मैंने सेकंड सॉल्यूशन में रो नंबर का यूज़ किया था, बट मैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन में डेंस रैंक फंक्शन का यूज़ करने वाली हूँ। यूजिंग सब क्वेरी। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा रो नंबर है वो हमारी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंग रोज को नंबर दे देता है, राइट। एंड डेंस रैंक भी यही करता है, बट इनमें एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। उससे पहले मैं इसके लिए एक क्वेरी क्रिएट कर लूँ। एम्प्लॉय सैलरी से मुझे डेटा लेना है, राइट। एंड इस पर्टिकुलर डेटा में मुझे पिक करना है डेंस रैंक फंक्शन के थ्रू इसको किस एक्सप्रेशन पे हमें पुट करना है, उसके लिए हम ओवर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज कर रहे हैं अपने फिक्स सैलरी पे, और ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। तो हमने इस पर्टिकुलर क्वेरी
को क्रिएट कर लिया है, इसको रन करते हैं अगर, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज रो नंबर बेसिकली एक रैंक जनरेट हो गई है हर रिकॉर्ड के लिए। तो जो लास्ट है उसको मैं रैंक नंबर का नाम दे देती हूँ उस कॉलम को, और अब हम इसका रिजल्ट देख लें फिर से। तो रैंक जनरेट हो गई है राइट, एंड मुझे ये पता है कि मुझे थर्ड रैंक जो है उसी का डेटा चाहिए, तो मैं इसको अपनी सब क्वेरी में पुट कर लूंगी और फिर इसका रिजल्ट यूज करूंगी। फिक्स सैलरी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, एंड फिक्स सैलरी कॉलम सॉरी, एंड इसी पर्टिकुलर कॉलम को हम यहाँ भी फेच करवा सकते हैं, बिकॉज हमें बाकी किसी कॉलम की आज तक जरूरत नहीं है। तो हम ये यहाँ से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब क्वेरी रिटर्न करवा रहे हैं फिक्स सैलरी, वेयर रैंक नंबर इज इक्वल टू 3। इस पर्टिकुलर क्वेरी को अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास 25,000 एज एक्सपेक्टेड हमारा रिजल्ट आ चुका है। बिकॉज ये थर्ड हायर सैलरी है तो हम कॉलम का नाम थर्ड हायर सैलरी दे देंगे। अब हमारे पास तीन सॉल्यूशंस क्रिएट हो गए हैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। तो बेसिकली ये दोनों जो फंक्शंस हैं वो काम एक ही तरीके से करते हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। हमारा जो रो नंबर है वो भी सीरियल नंबर जनरेट कर रहा है पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, और डेंस रैंक भी एक रैंक जनरेट कर रहा है पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए। बट जब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की बात आती है तो रो नंबर एक अलग तरीके से वर्क करेगा और डेंस रैंक अलग तरीके से वर्क करेगा। जहाँ भी हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ गए, मान लीजिए दो एम्प्लॉयज़ की सैलरी सेम है, तो वहाँ पे जो डेंस रैंक है वो हमारी रैंकिंग, जैसे अभी यहाँ पे डेंस रैंक ने अगर इसको 3 दे दी है और मान लीजिए 25,000 ही आ रहा होता या 30,000 ही आ रहा होता, तो हमारी रैंकिंग होती 1, 2, 2, 3 राइट। एंड रो नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आता, वो 1, 2, 3, 4 ही हमारी रैंकिंग देता। तो डेंस रैंक क्या करेगा कि जो सेम वैल्यूज के रिकॉर्ड हैं उनको सेम ही रैंकिंग देता है, बट रो नंबर हमारा सेम वैल्यू के रिकॉर्ड्स को भी अलग रो नंबर ही उनके लिए जनरेट करके देता है जब हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज कर रहे हैं दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वाला पर्टिकुलर सिनेरियो अच्छे से समझ आया होगा। हमने तीन सॉल्यूशंस क्रिएट करे हैं इसके, और रो नंबर और डेंस रैंक में डिफरेंस भी समझा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है व्यूअरशिप डिटेल्स राइट। इस टेबल में तीन कॉलम्स हैं, यूज़र आईडी, डिवाइस टाइप और व्यू टाइम। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो डिवाइस टाइप है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, लैपटॉप राइट। तो बेसिकली यूज़र ने किस डिवाइस पे कब कुछ भी देखा होगा राइट, या फिर कैसा भी आर्टिकल रीड किया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे व्यूअरशिप डिटेल्स दी गई हैं। ओके, तो सिनेरियो देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। The given table contains information on viewership by device type and mobile is defined as the sum of tablet and phone viewership numbers. Write a query to output the viewership on laptop and mobile devices in the format of laptop views and mobile views. Okay, तो ये scenario क्या कह रहा है कि मेरे पास viewership की details हैं device type के according यहाँ पे दी गई है, and scenario में mobile को define किया गया है sum of tablet and phone viewership numbers. ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइस टाइप एग्जिस्ट नहीं करता मोबाइल का, बट वो बोल रहे हैं कि जहाँ भी फोन और टैबलेट का है उसका जो सम होगा वो मोबाइल कैटेगरी में आएगा। तो हमें ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसमें लैपटॉप व्यूज और मोबाइल व्यूज आ रहे हो हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, लैपटॉप व्यूज एंड मोबाइल व्यूज। ठीक है, बट इस के लिए जो मेरे पास आउटपुट अगर मैं अभी इस वाले डेटा सेट से चेक करूं तो कैसा आएगा, फोन और टैबलेट या मोबाइल में इसका सम ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4,
एंड सिक्स। ओके, तो मोबाइल व्यूज आने चाहिए 6, एंड जो मेरे पास लैपटॉप यूज होंगे वो कैसे आएंगे, 1, 2, 3 और 4। ओके, तो यहाँ पे आएगा 4, राइट। बेसिकली इस तरह का आउटपुट मेरा आना चाहिए। एंड हम हमेशा अपने आउटपुट को पहले समझते हैं। मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जब तक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ ना आए अच्छे से, तब तक उसके सॉल्यूशन पे काम करना शुरू मत करिए, राइट। हमने लेकिन अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के आउटपुट एक बार देख लिया है कैसा आने वाला है, तो हम इसके बाद अपनी क्वेरी बिल्ड करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ क्वेरी फॉर व्यूअरशिप डिटेल्स, राइट। इससे मैं यहाँ पे इसको सारे कॉलम्स ना लेके सिर्फ जो मेरे पास इनका सम है उसके लिए स्पेसिफिक कॉलम्स अब फेच करवाऊंगी। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देती हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो बेसिकली हम सबसे पहले लैपटॉप के व्यूज का सम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, केस का यूज करने वाली हूँ। हमारे पास जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस होता है, राइट, उसी तरह से हम सीक्वल में केस का यूज करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे केस का जो कंडीशन है वो दे रही हूँ कि जब डिवाइस टाइप, जो मेरा कॉलम है यहाँ पे टेबल के अंदर डिवाइस टाइप, उसकी वैल्यू लैपटॉप है, ठीक है, तो इसको एज 1 डिस्प्ले करवा दो, अदरवाइज इसको 0 डिस्प्ले करवाना। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक डिवाइस टाइप को लिया है, और मैं आपको सिर्फ ये दिखाने वाली हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ केस लगा के, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाली हूँ। यहाँ पे 10 रोज है मेरी टेबल में, मैं देख पा रही हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे 10 रोज आ गई, राइट। लेकिन इसमें रिजल्ट में कैसा, जो क्वेरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट कैसा आया है, बेसिकली जब भी डिवाइस टाइप लैपटॉप होगा, राइट, तो जो मेरा रिजल्ट है वो 1 आना चाहिए, अदरवाइज 0, राइट। तो रिजल्ट में कैसा आ रहा है कि फर्स्ट रो मेरी आ रही है 0। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट रो में मेरा जो डिवाइस टाइप की वैल्यू थी वो लैपटॉप नहीं थी। ओके, तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया है। मैं आपको यहाँ पे दोनों जो क्वेरीज हैं ये रन करके एक बार दिखाती हूँ, और मैं बता देती हूँ कि कैसे ये 0 आया और कैसे ये 1 आया, राइट। और इससे बेटर मैं ये कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे डिवाइस टाइप कॉलम ले लेती हूँ सिर्फ, और मैं अब इस कॉलम के साथ आपको डिस्प्ले करवा रही हूँ कि क्यों यहाँ पे 1 आया है और क्यों 0। तो इस क्वेरी को मैं ऐसे रन करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे फोन है, बिकॉज वैल्यू फोन है तो 0 आ गया है, टैबलेट है तो 0 आ गया है। बट जैसे ही लैपटॉप एनकाउंटर हुआ इस केस के लिए, तो यहाँ पे इस कॉलम की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ लैपटॉप व्यूज, इस कॉलम को मैं ये नाम दे रही हूँ ने जो मैंने यहाँ पे केस का कॉलम बनाया है, ठीक है। तो अब इसके लिए मेरे पास लैपटॉप व्यूज आ गए, जिस जिस रो में भी लैपटॉप था वहां पे 1 आ गया है। इसी तरह से मैं क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पे जो मोबाइल के हैं, राइट, मोबाइल के डिवाइसेस कौन से हैं, वो हैं 2, उनके लिए केस बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे, ओके, मोबाइल तो मेरा आउटपुट का कैटेगरी है, राइट, मेरा यहाँ पे आना चाहिए फोन और टैबलेट। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिए हैं 2 कैटेगरीज के डिवाइस टाइप की, जो कि मेरे होने वाले हैं मोबाइल के व्यूज। ओके, ग्रेट। मैं अब इस क्वेरी को रन करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। तो जहाँ भी फोन या टैबलेट है वहाँ पे 1 आ गया है मोबाइल व्यूज में, और अदरवाइज इट इज डिस्प्लेइंग 0, ये 0 दे रहा है। ओके, बट ये मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है, बिकॉज मुझे सम निकालना है, राइट। सम मतलब कि मेरे पास टोटल नंबर आना चाहिए कि लैपटॉप के व्यूज कितने थे या फिर मोबाइल के व्यूज कितने थे। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली इसका
जो मेरा ये केस है राइट, इसका लेने वाली हूँ सम। और बिकॉज मुझे ये डिवाइस टाइप कॉलम नहीं चाहिए अपने आउटपुट में, मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। और अब इस क्वेरी को मैं रन करके आपको दिखा रही हूँ कि क्या आ रहा है। मैं इसको रन करने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि जहां भी जीरो है या वन है, अब ये इनका सम लेने वाला है, बिकॉज मैंने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया है। ओके, सो ये मेरा आउटपुट आ गया है, एंड हमने जो आउटपुट डिस्कस करा था अभी, ये उसके अकॉर्डिंग ही आया है। हमने यहाँ पे देखा था कि लैपटॉप व्यूज हमारे 4 बन रहे थे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा सेट, और मोबाइल व्यूज बन रहे थे 6, एंड हमारी इस क्वेरी से एग्जैक्टली यही रिजल्ट आ गया है। सो आई होप आपको आज का ये सिनेरियो अच्छे से समझ आया होगा, कैसे हमने एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया है। हमने एग्रीगेट फंक्शन का यूज बिना ग्रुप बाय के किया है आज के सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमने इसमें केस का यूज किया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना सम निकाला है फॉर द डिफरेंट डिवाइस टाइप्स दैट वी हैव, और इससे हमने आज अपने सिनेरियो को सॉल्व किया है। मेरे पास यहाँ पे दो टेबल्स दिए हुए हैं, पहला है एम्प्लॉयज और दूसरा है प्रोजेक्ट्स। इन दोनों टेबल्स को देखकर मैं इन्फर कर पा रही हूँ कि ये एम्प्लॉय के प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हैं। तो बेसिकली पहले टेबल्स में एम्प्लॉय आईडी कॉलम है और एम्प्लॉय नेम, और दूसरे टेबल में प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी कॉलम्स है। तो मुझे पता चल पा रहा है कि किस एम्प्लॉय ने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन इन टेबल में स्टोर्ड है। तो देखते हैं हमारा सिनेरियो क्या कहता है। सिनेरियो के अकॉर्डिंग अमांडा आस्क्ड हर एम्प्लॉयज टू गिव द कंसोलिडेटेड रिपोर्ट फॉर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, राइट अ क्वेरी टू प्रिंट द एम्प्लॉय आईडी नेम एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्कड ऑन बाय ईच एम्प्लॉय, सॉर्ट योर रिजल्ट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इफ मोर देन वन एम्प्लॉय वर्कड ऑन द सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स देन सॉर्ट द रिजल्ट बाय एम्प्लॉय आईडी, इफ मोर देन वन एम्प्लॉय वर्कड ऑन द सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड द काउंट इज लेस देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्कड ऑन देन एक्सक्लूड दोज एम्प्लॉयज फ्रॉम द रिजल्ट। ओके, सो क्वेरी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आउटपुट कैसा आना चाहिए। मैं हमेशा यही बात रिपीट करती हूँ कि जब तक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझना आ जाए, आपको ये ना पता हो कि उसका रिजल्ट कैसा आना चाहिए, तब तक अपनी क्वेरी या किसी भी सोल्यूशन पे वर्क करना शुरू मत कीजिए। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा कि मेरे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स निकालने हैं मुझे हर एम्प्लॉय के, राइट। तो मैं अभी क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ले लेती हूँ, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। मैं एक एम्प्लॉय के लिए आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ रिजल्ट। तो मैंने इस एम्प्लॉय आईडी के लिए फिल्टर आउट कर लिया है एक बार प्रोजेक्ट टेबल से। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। 6 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे इस एम्प्लॉय ने काम किया है। तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट में 3 कॉलम्स एक्सपेक्टेड हैं और प्रोजेक्ट काउंट एक्चुअली, या मैं इसको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बोल सकती हूँ। और अभी मैंने एम्प्लॉय आईडी जो लिया है वो ये है 23123, एम्प्लॉय नेम, तो इसको हम एम्प्लॉय टेबल से भी एक बार फिल्टर कर लेते हैं, एंड एम्प्लॉय नेम इज राधिका। और यहाँ पे जो मेरे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो मैं अभी रिजल्ट में देख पा रही हूँ कि 6 रोज हैं, तो मैं यहाँ पे 6 लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ मेरा रिजल्ट आना चाहिए, राइट। बट इस तरह से सिर्फ एक रो नहीं आने वाली, मेरे पास मल्टीपल रोज आएंगी, और यहाँ पे उसके लिए भी कुछ कंडीशंस मेंशनड है, राइट। जैसे सबसे पहले तो कहा गया है सॉर्ट योर रिजल्ट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है इसको मुझे सॉर्ट करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय ने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो रिजल्ट को सॉर्ट कीजिए एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उसके बाद एक और कंडीशन दी हुई है, इफ मोर देन वन एम्प्लॉय वर्क ऑन द सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड द काउंट इज लेस देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्कड ऑन देन एक्सक्लूड दोज एम्प्लॉयज फ्रॉम द रिजल्ट। ओके,
यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेरे पास अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मुझे पता चल जाए, मैं यहाँ पे अगर देखूँ मेरे पास कितने प्रोजेक्ट्स पे इस एम्प्लॉय ने काम किया है, वो है 6। मान लीजिए कि यही मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, तो अगर कोई भी अब ऐसे एम्प्लॉयज मिलते हैं मुझे जिन्होंने 6 से कम प्रोजेक्ट्स में काम किया है, ऐसे एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज मिलते हैं बेसिकली, तो मुझे उसे रिजल्ट में नहीं दिखाना है। बेसिकली अगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि एम्प्लॉय ए है और यहाँ पे एम्प्लॉय बी है, राइट, उसका अगर यहाँ पे 4 एंड 4, ये है मेरा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का कुछ काउंट, तो ये लेस देन 6 है, तो दीज विल नॉट बी शोन इन द रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से मेरा एम्प्लॉय, इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे, बट मैं इसमें कुछ कलर कोडिंग कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने अलग फॉन्ट दे दिया है ताकि आपको ये पता रहे कि इनको मुझे एक्सक्लूड करना था आउटपुट से, एंड ये आउटपुट में नहीं आएंगे। अब हम अपनी क्वेरी बिल्ड करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं देख रही हूँ हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस हैं, आई होप कि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। चलते हैं अपनी क्वेरी की तरफ अब। तो यहाँ पे मैं अब जो प्रोजेक्ट्स और एम्प्लॉयज टेबल है, राइट, इससे एक बार रिजल्ट ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं ये निकालती हूँ मेरे पास कौन से एम्प्लॉय ने किस कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने थे जो हर एम्प्लॉय ने काम किया है। ओके, सो ये टेबल है एम्प्लॉयज, राइट। तो अब मुझे इसको ज्वाइन करना है प्रोजेक्ट्स टेबल के साथ, ग्रेट। अब ज्वाइन के लिए कॉलम हमें सिलेक्ट करना होता है हमेशा, राइट, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी है इनका कॉमन कॉलम, एंड सिंपली मैंने उसे अब यूज़ कर लिया है अपने ज्वाइन कंडीशन में। इसके बेसिस में मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, तो इस क्वेरी को सबसे पहले रन करते हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि 7 एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसका रिजल्ट देखती हूँ कि कैसा आ रहा है। ओके, मेरे पास कुछ कुछ रिकॉर्ड्स आ गए हैं, बेसिकली 23 रोज आ रही हैं, एंड हर एम्प्लॉय के लिए प्रोजेक्ट उसने बता दिया है कि कितने हैं, ठीक है। बट अब मुझे काउंट निकालना है, राइट, मुझे अपना नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ से डिटरमिन करना है कि कितना है हर एम्प्लॉय का। तो हम देख चुके हैं पहले भी कि जब भी काउंट की बात हो रही होती है किसी कॉलम के बेसिस पे, तो मुझे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करना होता है। अब ग्रुप बाय क्लॉज यूज किस पे होगा, तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, राइट, एम्प्लॉय नेम दिख रहा है, प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी अगेन, तो ये तो चारों कॉलम्स आ गए थे, बट मुझे मेरे आउटपुट में क्या क्या कॉलम्स चाहिए थे। मैंने देखा था कि आउटपुट डिस्कस कर रही थी जब मैं, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ले रही थी, एंड इसके बाद मुझे नेक्स्ट चाहिए था नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो जब मैं ये दो कॉलम्स ले रही हूँ अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में, तो मुझे ग्रुप बाय दोनों पे ही लगाना होगा, बाय, बिकॉज अगर मैंने सिंपली ग्रुप बाय यहाँ पे इस तरह और ए डॉट एम्प्लॉय आईडी में ले लेती हूँ यहाँ पे, अगर सिंपली मैंने इस तरह से लगा दिया ग्रुप बाय, तो अब इसको एरर देना चाहिए। ग्रेट, इसने एरर दे दिया है एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम कॉलम्स लेते हैं वो ग्रुप बाय में ज़रूर होने चाहिए, इफ वी हैव नॉट पुट एनी एग्रीगेट फंक्शन ऑन दोज, राइट। अगर हमने यहाँ पे कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाया है, तो यहाँ पे मुझे इसको लेना ही होगा ग्रुप बाय क्लॉज में। तो मैंने अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी ले लिया, अब ये एरर नहीं देना चाहिए। तो ग्रेट, मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम आ गया। ओके, तो मैंने एक चीज देखी थी एम्प्लॉयज टेबल में कि मेरे पास 7 रिकॉर्ड्स थे, राइट, 7 एम्प्लॉयज का डेटा था मेरे पास, बट यहाँ पे 6 आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि कोई एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है,
बट हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो ऐसी कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, राइट? मुझे सारे एम्प्लॉयज लेने हैं और कितने प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है ये दिखाना है। तो मेरे पास यहाँ पे 7th एम्प्लॉय भी आना चाहिए, चाहे उसने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ अब लेफ्ट जॉइन, और मैं लेफ्ट यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज अगर मैंने सिंपली जॉइन लिखा हुआ था तो इट मेंट कि वो इनर जॉइन है। बाय डिफॉल्ट जॉइन मीन्स इनर जॉइन। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन पुट करके क्वेरी रन करती हूँ। ओके ग्रेट, मेरे पास 7th एम्प्लॉय आ गया है। अब हम निकालने वाले हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है? और सिंपली प्रोजेक्ट आईडी एक कॉलम है, राइट? इस पे मैं काउंट लगाने वाली हूँ कि कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है मेरे इन एम्प्लॉयज़ ने। बट उसके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगी, मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट मेंशन कर देती हूँ। देखिए, हो सकता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आईडी रिपीट ना हो रहा हो फॉर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है? मतलब बेसिकली एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक ही हो मेरे टेबल पे। बट टू मेक श्योर कि मैं डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स ही उठा रही हूँ, मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी। तो अब मैं इसको एक बार रन करती हूँ, देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। ओके ग्रेट, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मुझे यहाँ पे दिख गए हैं। बट मैं इसको नेम ले लेती हूँ, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मेरा जो कॉलम है। ओके अब इसे रन करते हैं। तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं हर एम्प्लॉय के रिलेटेड, एंड आई थिंक दिस वॉज द एम्प्लॉय जिसने किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है। तो उस पर हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अभी कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है अपने सिनारियों के लिए, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं पुट करने वाली हूँ सीटीई में। वाई? बिकॉज इसमें कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए मुझे इसमें इससे एज अ सब क्वेरी यूज़ करना था, और बेसिकली टेम्प टेबल भी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं इसको सॉल्व करूँगी थ्रू सीटीई। तो अब यहाँ सिंपली मैं क्या करूँगी, विद सीटीई मेंशन करने वाली हूँ, मैं इसका नाम रख देती हूँ प्रोजेक्ट्स काउंट सीटी। ओके और मैं इस क्वेरी को पुट कर रही हूँ अपने सीटी में। तो अब इस सीटी के थ्रू मैं निकालने वाली हूँ कि किस एम्प्लॉय ने, बेसिकली मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितने एम्प्लॉयज ने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ठीक है? वो इस सीटी के थ्रू मैं करूँगी। तो मैं यहाँ पे अब लिख रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट्स काउंट सीटी, बिकॉज मैंने ये नाम दे दिया है। एक बार इस क्वेरी को रन करती हूँ, अभी यही रिजल्ट आ रहा है। ग्रेट, तो मैं इसमें से फेच करने वाली हूँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, राइट? जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अमित ने 3 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एंड प्रियंका ने भी 3 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो ये ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो अब मैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग काउंट निकालूंगी एम्प्लॉयज का, राइट? तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लगाने वाली हूँ काउंट फंक्शन। ओके एंड मैं चाहती हूँ कि इस काउंट फंक्शन को मैं पार्टीशन करूँ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉलम पे। इस कॉलम के लिए मेरी वैल्यूज जो हैं वो पार्टीशन हो जाए, राइट? एंड जो मेरा काउंट है, मैं ये काउंट करना चाहती हूँ कि कितने एम्प्लॉयज ने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर दिया है, ठीक है? इसे मैं नेम दे देती हूँ एज प्रोजेक्ट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो बेसिकली मैंने प्रोजेक्ट्स फ्रीक्वेंसी इस कॉलम को नाम दे दिया है, एंड हर एम्प्लॉय से रिलेटेड मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या उस नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो उसने काम किया था जिस एम्प्लॉय ने, वो रिपीट हो रहा है या नहीं। ओके सो इस क्वेरी को अब रन करते हैं एक बार।
यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले हो गई। ग्रेट। तो अब ये कैसे आई है? जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स थे जब जीरो, राइट? तो वो एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसने जीरो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। यहाँ पे वन है तो इट इज़ द सेम ओवर हेयर। जैसे ही मेरे पास थ्री आया, राइट, तो मुझे प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी पता चल गई, राइट, कि ऐसे दो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने थ्री नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। यहाँ पे भी यही डिस्प्ले हो रहा है। फोर पे क्या हो रहा है? वन। तो बेसिकली और कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर नहीं है अनुज के अलावा जिसने फोर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एंड सिक्स के लिए भी टू आ गया है। ग्रेट। तो ये तो मेरे पास प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी भी डिस्प्ले हो गई कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अब लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? इसको एज अनदर सीटी लेना होगा। वाई? बिकॉज अब ये भी एज सब क्वेरी यूज होने वाली है मेरी नेक्स्ट क्वेरी के लिए। तो मैं सीटी से सॉल्व कर रही हूँ इस पर्टिकुलर सिनेरियो को रादर देन सब क्वेरीज, इसलिए मैं यहाँ पे सीटी का यूज करने वाली हूँ। इसको मैं नाम दे देती हूँ, इस सीटी को प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी सीटी, और इसको पुट कर देते हैं हम अपने ब्रैकेट्स में। अब इस पर्टिकुलर सीटी को मैं यूज करने वाली हूँ अपनी क्वेरी में। सेलेक्ट स्टार प्रोजेक्ट्स फ्रीक्वेंसी सीटी, राइट। पहले हमने यूज किया था प्रोजेक्ट्स काउंट सीटी का, अब हम यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सीटी का जो हमने दोबारा सीटी यूज करके क्रिएट की है। इस पर्टिकुलर जो मेरा जो सीटी मैंने क्रिएट किया है उससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, राइट। ये मेरे आउटपुट में आने वाली है, तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली रन करने वाली हूँ। इसको मैंने रन किया तो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गई इन्फॉर्मेशन, ओके, जो मेरे रिजल्ट में आनी चाहिए थी। बट अभी मेरा डेटा जो है वो सिनेरियो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज उसमें काफ़ी ऑर्डर जिस तरह देना है ये डिस्प्लेड था। अगर सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एम्प्लॉयज़ ने तो उसके लिए कुछ कंडीशंस मेंशन थी, तो वो भी हम पुट कर लेते हैं एक बार। सिनेरियो को देखते हैं। सिनेरियो के अकॉर्डिंग मेरे पास जो सॉर्ट करना है मुझे रिजल्ट बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके लिए मुझे अब कंडीशन पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय का यूज करने वाली हूँ, ऑर्डर बाय क्लॉज फॉर सॉर्टिंग द रिजल्ट, राइट। एंड मेरे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉलम है, उसे मुझे DST इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। वाई? बिकॉज अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे तो इट विल गिव मी द रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ओके, पूरी क्वेरी रन करनी होगी, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट आ गया है, बट मुझे यहाँ पे DST का मेंशन करना होगा बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरा रिजल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो। ग्रेट, ये हो गया है। बट अभी बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है हमें सिनेरियो के लिए। नेक्स्ट है कि इफ देर आर मोर देन वन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्कड ऑन द सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स देन सॉर्ट द रिजल्ट बाय एम्प्लॉय आईडी। ओके, ग्रेट, ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है मुझे जैसे सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है सिक्स, राइट, एंड यहाँ पे थ्री, बट ये एम्प्लॉय आईडी जो है ये 78566 है और ये 23123 है। तो बेसिकली मुझे एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देना है अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सेम है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाली, सिंपली लिखने वाली हूँ एम्प्लॉय आईडी। अब देखिए कैसे ये अपने आप ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सेम है तो एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ गया है रिजल्ट। और यहाँ पे जब थ्री है तो ये भी एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया है। बेसिकली ऑर्डर बाय क्लॉज का यही काम है कि जैसे जो आपने कॉलम और ऑर्डर पहले मेंशन किया है वो प्रेफरेंस देगा उसको, और उसके बाद क्या करता है, नेक्स्ट जो भी आप कॉलम या अपना ऑर्डर दे रहे हैं उसको प्रेफरेंस देगा। बेसिकली ये प्रेफरेंशियल क्लॉज है, जैसे जैसे आप मेंशन करते जाएंगे आगे ऑर्डर वैसे ही ये सॉर्ट करके आपको दिखाएगा रिजल्ट। अभी भी मेरा रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आया है। वाई? बिकॉज आई थिंक एक और कंडीशन है जो मेरी रह गई है, तो उसे देखते हैं। यहाँ पे हमने इफ मोर देन वन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज
सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, देन सॉर्ट द रिजल्ट बाय एम्प्लॉय आईडी। यहाँ तक अभी हमने काम कर लिया है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्लॉज और है यहाँ पे, ये कहता है इफ मोर देन वन एम्प्लॉय वर्कड ऑन द सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड द काउंट इज लेस देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्कड ऑन, देन एक्सक्लूड दोज एम्प्लॉयज फ्रॉम द रिजल्ट। ये भी एक क्लॉज है जिसके लिए मैंने आउटपुट में आपको दिखाया था कि मुझे अगर ऐसा कुछ केस मिल रहा है तो ए और बी एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड कर देना है रिजल्ट से, ये नहीं आने चाहिए रिजल्ट में, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे पास ऐसे दो रिकॉर्ड्स हैं, राइट, प्रियंका एंड अमित, इन दोनों के लिए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का जो वैल्यू है वो है 3, राइट, इस कॉलम की वैल्यू 3 है, एंड दिस इज लेस देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्कड ऑन, क्योंकि वो है 6, मैं यहाँ देख पा रही हूँ रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों नहीं आने चाहिए मेरे जो आउटपुट में। इसके लिए अब हम वेयर क्लॉज पुट करेंगे। अपने वेयर क्लॉज के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम एक बार रिजल्ट में डिस्प्ले करवाती हूँ और ये देखती हूँ कि मुझे इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। मेरे पास जो प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी है जब भी वो 2 है तो मुझे ये पता चल पा रहा है कि ऐसे मोर देन वन एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ हो गए जिन्होंने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, राइट। तो जब भी ये लेस देन 2 होगी इसका ये मतलब है कि सिंपली मुझे वो वाले रिकॉर्ड तो डिस्प्ले करवा ही देने हैं, उनको अपने रिजल्ट में इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिखूं कि प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ भी लेस देन 2 है उस सारे एम्प्लॉयज़ को तो मेरे रिजल्ट में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। और एक कंडीशन मैं और दूं, राइट, बिकॉज सिर्फ इससे क्या होगा, इससे कुछ ऐसा होगा, ऐसा डिस्प्ले हो गया मेरा रिजल्ट, राइट, मुझे ये नहीं चाहिए अभी, बिकॉज मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वाला जो रिकॉर्ड है वो तो आना ही चाहिए था, ये हमने आउटपुट में देखा था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से अब रिजल्ट्स लेने वाली हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ भी लेस देन 2 है वो तो आ जाए, और जहाँ भी जो मेरा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, राइट, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की वैल्यू मैक्सिमम है तो बेसिकली जहां भी मैंने लेस देन 2 है वो वाले पिक कर लिए हैं, और जहां भी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मेरे टेबल से निकलेंगे वो वाले रिकॉर्ड्स भी पिक कर लेने हैं मुझे, ठीक है। इस क्वेरी को रन करते हैं। तो मेरे पास वो एम्प्लॉयज़ भी आ गए जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। देखिए अगर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम नहीं है, इससे लेस देन ऐसे कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है तो वो मुझे एक्सक्लूड कर देने थे, राइट। तो इससे क्या हुआ, इससे वो एक्सक्लूड हो गए। यहाँ पे मेरे पास वो एम्प्लॉयज़ नहीं डिस्प्ले हो रहे अब जिन्होंने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और वो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम से कम है, लेकिन मुझे ये वाला कॉलम जो है वो फाइनल रिजल्ट में नहीं लेना, तो इसको मैं हटा देती हूँ। इस क्वेरी को अब रन करते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है, मेरे पास वो एम्प्लॉयज़ आ गए हैं जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ऐसे एम्प्लॉयज़ भी आ गए जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है, बट वो सारे एम्प्लॉयज़ हट गए हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स से कम थे और रिपीटिंग थे उनके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बेसिकली सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया था उन्होंने। ये सॉर्ट होके भी आ गए हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट वॉज रिक्वायर्ड बाय द सिनेरियो, एंड हमने अभी देखा कि किस तरह हमने दो सीटीज का यूज़ किया है आज अपनी क्वेरी को बिल्ड करने के लिए, राइट। मैंने यहाँ पे पहले लिया था प्रोजेक्ट काउंट सीटी और फिर क्रिएट किया था प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी सीटी, और इस सीटी से मैंने अपना फाइनल जो रिजल्ट है वो निकाला है। तो आई होप आपको आज का ये सिनेरियो अच्छे से समझ आया होगा, कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी क्वेरी को क्रिएट किया है और
मल्टीपल क्लॉजेस का यूज किया है, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, देन हमने काउंट फंक्शन का यूज किया है, ग्रुप बाय का यूज किया है। आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट आज अच्छे से समझ आए होंगे।